अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक नंबर 211 आयत नंबर 41 से 60 तक लेसन नंबर 211 आयत 41 टू 60। लफ्ज़ी तर्जुमा ज़हरल फ़सादु ज़ाहिर हुआ फसाद फ़िल बर्रि वल बहर खुशकी और समुंदर में बिमा बवजह उसके जो कसबत कमाई की ऐदिन नासी लोगों के हाथों ने लियुज़ीक़हुम ताकि वो चखाए उनको बादल्लज़ी बाज वो चीज अमेलू जो उन्होंने अमल किए लाअल्लहुम ताकि वो शायद के वो यरजऊन लौटाएं बाज आ जाएं। कुल कह दीजिए सीरू चलो फिरो फिल अर्दी जमीन में फंजुरू फिर देखो कैफ काना किस तरह हुआ आकिबतु अंजाम अल्लजीना उन लोगों का मिन कबल जो इससे पहले थे काना थे अक्सरुहुम उनमें से अक्सर मुशरिकीन मुशरिक फ़अक़िम तो जमा दो वजह का अपने चेहरे को अपने रुख को लिद्दीनिल क़य्यम दुरुस्त दीन के लिए मिन क़ब्ली इससे पहले अय्यातिया के आ जाए यौमुन वो दिन ला मरद्द लहू नहीं टलना उसके लिए फेरा जाना उसके लिए मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से यौम इज़िन उस दिन यस्सद्दाऊन वो मुतफर्रिक हो जाएंगे मन कफरा जिसने कुफ्र किया फ़अलैही तो उसी पर है कुफ्रुहू कुफ्र उसका वमन अमिला सालिहन और जिसने अमल किए सालिह नेक फलि अनफुसिहिम तो वो अपने नफ्सों के लिए यमहदून राह हमवार कर रहे हैं लियज्ज़ियल्लज़ीन आमनू ताकि वो जज़ा दे बदला दे उन लोगों को जो ईमान लाए व अमिलुस्सालिहाति और उन्होंने अमल किए अच्छे मिन फदलिही अपने फजल से इन्नहू बेशक वो ला युहिब्बु नहीं पसंद करता अल काफिरीन काफिरों को वमिन आयातिही और उसकी निशानियों में से है अयुरसिला कि वो भेजता है अर्रियाहा हवाओं को मुबश्शिरातिन खुशखबरी देने वालियां वलियुज़ीक़कुम और ताकि वो चखाए तुमको मिर रहमतिही अपनी रहमत में से वलितजरियल फुल्कु और ताकि चलें कश्तियां बिअम्रिह उसके हुक्म के साथ वलितबतगू और ताकि तुम तलाश करो मिन फदलिही उसके फजल में से वलअल्लकुम और ताकि तुम तश्कुरून तुम शुक्र अदा करो। वलक़द अरसलना और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने मिन क़ब्लिका आपसे पहले रसूलन कई रसूलों को इला कौमिहिम तरफ उनकी कौम के फजाऊहुम तो वो लाए उनके पास बिल बय्यनाति रोशन दलाइल फंतकमना तो इंतकाम लिया हमने मिनल लजीना अजरमू उन लोगों से जिन्होंने जुर्म किया। वकाना और था हक्कन हक अलैना हमारे जिम्मा हम पर नस्रुल मुमिनीन मदद करना मोमिनों की। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह वो जात है जो युरसिलुर रियाहा भेजता है हवाओं को फतुसीरु तो वो उठाती हैं सहाबन बादल फयबसुतुहु फिर वो फैला देता है उसको उन बादलों को फिस्समा आसमान में कैफ यशा जिस तरह वो चाहता है। वयजअलुहु और वो कर देता है उनको किसफन टुकड़ियों में फतरल वदका तो तुम देखते हो बारिश को यखरुजु निकलती है मिन खिलालिही उसके अंदर से फइदा असाब बिही फिर जब वो पहुंचाता है उसको मन यशाओ जिसे वो चाहता है मिन इबादिही अपने बंदों में से इदा हम जब वो यस्तबशिरून वो खुश हो जाते हैं। व इन कानू और बेशक थे वो मिन कबली इससे पहले अयुनज़्ज़ला के उतारी जाए अलैहिम उन पर मिन कबली ही इससे पहले लमुबलिसीन अलबत्ता मायूस होने वाले। फंजुर तो देखो इला आसार रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ कैफा किस तरह युहयी वो जिंदा करता है अल अर्दा जमीन को बाद मौतिहा उसकी मौत के बाद। इन नजाले का बेशक वो लमुहयिल मौता अलबत्ता जिंदा करने वाला है मुर्दों को। वहुआ और वो अला कुल्ल शैइन हर चीज पर कदीर कादिर है। वला इन और अलबत्ता अगर अरसलना भेजे हम रीहन एक हवा फरअहु फिर वो देखें उसको मुस्फर्रन जर्द लजल्लू अलबत्ता हो जाए वो मिन बादिही इसके बाद यकफुरून कुफर करते। फ़इन्नका पस बेशक आप ला तुस्मिअ नहीं सुनवा सकते अलमौता मुर्दों को वला तुस्मिअ और न आप सुनवा सकते हैं अस्सुम्मा बहरों को अद्दुआ पुकार इज़ा वल्लौ, जब वो मुंह मोड़ जाएं, मुदबिरीन, पीठ फेरते हुए। वमा अंता, और नहीं आप, बिहादिल उम्मी, रहनुमाई करने वाले अंधों की, अन दलालतिहिम, उनकी गुमराही से। इन तुस्मिउ, नहीं आप सुनवा सकते, इल्ला, मगर, मन जो, युमिनो, ईमान रखता हो, बे आयातिना, हमारी आयात पर, फहुम मुस्लिमून, फिर वो मुसलमान हों, सरे तस्लीम खम कर दें। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जात है, खलककुम, जिसने पैदा किया तुमको, मिन दुअफिन, कमजोरी से, सुम्मा जअला, फिर उसने बनाया, मिन बादि दुअफिन, कमजोरी के बाद, कुव्वतन, कुव्वत को, सुम्मा जअला, फिर बनाया, मिन बादि कुव्वतिन, कुव्वत के बाद, दुअफन, कमजोरी को, वशैबा, और बुढ़ापा। यखलुकु, वो पैदा करता है, मा यशा, जो वो चाहता है, वह हुआ, और वही, अल अलीम, जानने वाला है, अल कदीर, कुदरत रखने वाला है। व यौमा, और जिस दिन, तक़ूमुस साअतु, कायम होगी क़यामत, युक़सिमुल मुजरिमून, क़स्में खाएंगे मुजरिम, मा लबिसु, नहीं वो ठहरे, ग़ैर साअतिन, सिवाय एक घड़ी के, कज़ालिका, इसी तरह, कानू, थे वो, युफ़कून, फेरे जाते। वक़ाल अल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, ऊतुल इल्मा, जो दिए गए इल्म, वल ईमाना, और ईमान, लक़द लबिस्तुम, अलबत्ता तहकीक ठहरे हो तुम, फ़ी किताबिल्लाही, अल्लाह के नविश्ते में, इला यौमिल बास, क़यामत के दिन तक। फ़हाज़ा, तो ये, यौमुल बासी, क़यामत का दिन है, वलाकिन्नकुम, लेकिन तुम, कुन्तुम, थे तुम, ला तालमून, इल्म न रखते। फ़यौमा इज़िन, तो उस दिन, ला यन्फ़उल्लज़ीना, न नफ़ा देगी उन लोगों को, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, माज़िरतुहुम, उनकी माज़िरत, वलाहुम, और न वो, युस्तातबून, तौबा कबूल किए जाएंगे। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, दरबना, बयान किया हमने, लिन्नासी, लोगों के लिए, फ़ी हाज़ल क़ुरआनी, इस क़ुरआन में, मिन कुल्लि मसल, हर तरह की मिसाल को, वला इन, और अलबत्ता अगर, जितहुम बे आयतिन, लाओ तुम उनके पास कोई निशानी, लयकूलन्न, अलबत्ता जरूर कहेंगे, अल्लदीन कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इन अंतुम नहीं तुम इल्ला मुबतिलोन मगर बातिल परस्त। कज़ालिका इसी तरह यत्बअल्लाहु मुहर लगा देता है अल्लाह अला कुलूबिल्लज़ीना उन लोगों के दिलों पर ला यालमून जो इल्म नहीं रखते। फस्बिर बस सब्र कीजिए। इन्न वादल्लाही बेशक वादा अल्लाह का हक़्क़ुन सच्चा है। वला यस्तखिफ़न्नका और हरगिज न हल्का पाए तुझको अल्लज़ीना वो लोग ला युक़िनून जो यकीन नहीं रखते। ज़हर अल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी ज़हरा ज़ाहिर हो गया, फैल गया। अल फ़सादु फ़साद और फ़साद ज़िद है सलाह की, बिगाड़। हिस्सी और मानवी दोनों तरह यहां मुराद है, यानी ज़ाहिरी फ़साद भी और अखलाकी बिगाड़ भी। फिल बर्र वल बहर बर्रो बहर में, बर खुश्की इंसानी आबादियां और बहर समुंदर और समुद्रों में इंसानों का आना जाना, जहाज वगैरह और समुद्री मखलूक। क्यों फैल गया फसाद? बिमा कसबत अयदिन नास बवजह उसके जो कमाई की या जो किया। अयदिन नास लोगों के हाथों ने। अयदी का लफ्ज यद से है और अन्नास आम लोग मुराद हैं कि लोगों के हाथों ने जो भी किया, यानी जो भी गुनाह किए, गलत काम किए, एतदाल से हट के काम किए, उसकी वजह से ये फसाद हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि गुनाह तो इंसान जबान से भी करता है, आंख से भी करता है, पांव से भी करता है, तो हाथों का जिक्र क्यों है? यानी तमाम हवास इंसान के गुनाह में शामिल होते हैं, लेकिन खास तौर पर हाथों का जिक्र क्यों है? क्योंकि हाथ इंसान के उसके अमल पर दलील है। यानी जब भी कोई काम किया जाता है तो उसमें उसका पूरा जिस्म, जहन, उसकी सोच, उसके सारी कुव्वतें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन खास तौर पर हाथ पेशरो होते हैं या सबसे आगे होते हैं किसी भी काम के करने में, या नुमाइंदा होते हैं। तो इंसान के कामों की नुमाइंदगी उसके हाथों से होती, तो इसलिए खास तौर पर हाथों का जिक्र किया गया। लियुज़ीक़हुम ताकि वो चखाए इनको, यानी अल्लाह चखाए इनको, यानी नतीजा दिखाए। बादा बाज सारा नहीं, कुछ। अल्लज़ी अमिलू जो उन्होंने अमल किए, यानी लोगों के हाथों ने जो काम किए, जो कमाई की, उस कमाई का नतीजा उनके सामने आए। सारा नतीजा तो क़यामत के दिन आएगा, क्योंकि दुनिया में पूरी जज़ा या सजा देना किसी को मुमकिन ही नहीं। लेकिन आखिरत से पहले दुनिया में भी अल्लाह ताला इंसान को उसके आमाल पर जज़ा देता है, बदला देता है, और फिर जज़ा उसके अमल के मुताबिक होती है। बादल्लज़ी अमिलू उनके आमाल की बदौलत। क्यों ये सजा चखाना चाहता है या सजा का मजा? लअल्लहुम यरजिऊन ताकि वो लौट आए, पलट जाए। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, तौबा करके अपने गुनाहों को जान लें। तो खुलासा ये है कि लोगों की बदामालियों के नतीजे में, लोगों की बेएतदालियों के नतीजे में खुश्की और तरी का निजाम बिगड़ चुका है। यानी जमीन पर इंसान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से वो मीज़ान जो अल्लाह ने कायम किया था इस जमीन पर जिंदा रहने के लिए इंसान और दीगर मखलूकात के, उसमें खलल आ गया है। और उस खलल के नतीजे में नुकसान भी खुद इंसान ही को पहुंचा है। और ये इस बात की अलामत है कि जब भी इंसान हद एतदाल से तजावुज करेगा, एक्सट्रीम्स की तरफ बढ़ेगा, तो लाजमन फसाद होगा, और फसाद के नतीजे में लाजमन बदमनी होगी। बिगाड़ चाहे छोटी सतह पर हो चाहे बड़ी सतह पर हो, चाहे हिस्सी हो, चाहे ज़हनी हो, अखलाकी हो, उसका नतीजा या उसका रिजल्ट लाजमी तौर पर अमन सुकून का खात्मा है, अमन का खत्म होना है। तो अल्लाह ताला यहाँ बता ये रहे हैं कि जमीन पर अगर अमन खत्म है तो ये इस वजह से नहीं कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला है, ये बंदों के अपने ही आमाल का नतीजा है, ये उनके अपने ही काम है जिसकी वजह से वो ये तकलीफें देख रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त दुनिया में इंसान को तरह तरह के मसाइल का सामना है। कुर्रे अर्ज की हिफाजत का मसला है, इंसान को पोल्यूशन का मसला है, समुद्रों के अंदर जो पोल्यूशन है, पानी में वाटर पोल्यूशन है या हवा में है, फजा में है, और उसके नतीजे में जो तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, या फिर ज़हनी अमराज हैं, या अमन और सुकून बर्बाद होकर रह गया है, तो इसकी यहां वजह बताई गई है कि ये इंसान का फसाद है। और जब भी कोई शख्स गलत काम करेगा, खा वो अल्लाह के शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी या फिर जो उसने कायनात के अंदर एक एतदाल या बैलेंस या अदल रखा है उसकी खिलाफ वर्जी, यानी जो इकोलॉजी है या एक सिस्टम उसने पूरी नेचर के अंदर रखा है, जो एक साइकिल कायम किया है, लाइफ साइकिल जिसको आप कहते हैं, अगर इंसान उसमें से कहीं भी अल्लाह के बनाए हुए निजाम में अपनी मर्जी से मुदाखलत करके नेचर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो लाजमी तौर पर उसका नतीजा क्या होगा, इंसान ही को उसकी तकलीफ और दुख उठाना पड़ेगा, उसका वबाल या मजा भी वो खुद ही चखेगा। और दुनिया में तो ये सिर्फ एक हिस्सा है, बहुत ही कम है, बादल लजी है, बाज है सिर्फ, लेकिन असल और पूरा पूरा नतीजा कयामत के दिन इंसान के सामने आएगा, क्योंकि असल यौमुल जजा वही है। दुनिया में अल्लाह ताला पूरा बदला क्यों नहीं देना चाहता? क्या वो दे नहीं सकता? दे सकता है। वजह यह है कि अगर वो दुनिया में देना शुरू कर दे तो दुनिया में कोई एक जानदार भी बाकी न रहे, फिर जमीन पर जिंदगी की बका ही मुमकिन नहीं। जैसे कुरान पाक में आता है, लो युआखिदुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह लोगों को उनके किए पर पकड़ने लग जाए, इधर किसी ने फसाद किया, इधर खराबी की, खा वो समुद्री बिगाड़ है या जंगलों में या पौधों में या इंसानों में या किसी भी तरह का, तो अगर अल्लाह ताला हर फसाद करने वाले को फौरन पकड़ ले तो फिर क्या हो, सारे ही पकड़ में आ जाए, क्योंकि हर शख्स किसी न किसी तरह थोड़ा या ज्यादा इस जुर्म में शरीक है। और अगर देखा जाए तो फसाद जो दो तरह का है, एक तो ना दीनी बिगाड़, गुनाह, नाफरमानी, फितने फसाद, ये तो अपनी जगह है, तो अंडरस्टूड है, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी दुनियावी जिंदगी में भी एतदाल से हट के काम करते हैं, खा वो रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो, खा वो पानी का इस्तेमाल हो, या खाने पीने की चीजों का, या फिर दरख्तों का, या जमीन के अंदर पाए जाने वाले अल्लाह के खजाने जो अल्लाह ने बंदों के लिए ही रखे हैं, उनका बेमहाबा, बिला जरूरत इस्तेमाल, इसराफ, ये सब कुछ इंसान ही के लिए मसाइब खड़े कर रहा है। तो अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता, बंदे खुद अपने लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। हाँ, एक और सवाल ये पैदा होता है कि यौमुल जज़ा तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है, दुनिया में फिर क्यों ये मुसीबतें आती हैं? एक ही दिन पकड़ना चाहिए। दुनिया में अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन इसलिए मसाइब भेजता है ताकि लोग तौबा कर लें। तौबा अगर दीन के मामले में है, यानी कोई अल्लाह की नाफरमानी की है, शरई हुक्म में खिलाफ वर्जी की है, तो उस पर भी तौबा कर लें, इस्तिगफार करें। और अगर दुनियावी एतबार से किसी भी चीज में एतदाल से बढ़ के काम कर रहे हैं, हद एतदाल से हटे हुए हैं, तो उसमें भी वो बैक टू बेसिक्स आ जाएं, वापस असल पे लौट जाएं और फसाद छोड़ दें, क्योंकि इसके अलावा कोई और हल है नहीं। इसका इलाज भी इंसान के अपने ही पास है जो बिगाड़ कर रहा है। जब तक वो खुद बिगाड़ से बाज नहीं आएगा तो हालात नहीं संवरेंगे। और कुरान पाक की एक और आयत से भी पता चलता है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुमको जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई से है। वयाफू अन कसीर, और वो बहुत सी चीजों को तो माफ करता चला जाता है, दरगुजर करता चला जाता है। तो दुनिया में अल्लाह ताला इंसान को बारहा इम्तिहानों में इसलिए डालता है ताकि इंसान आखिरत की बड़ी सजा से पहले दुनिया में ही सबक सीख जाए, दुनिया में ही होश में आ जाए। लअल्लहुम यरजिऊन, जैसे कि सूरत अल-आराफ 168 में आता है, वबलौनाहुम बिलहसनाति वस्सय्याति लअल्लहुम यरजिऊन। क्योंकि कल भी ये बात हुई थी कि इंसान को जब किसी भी चीज में कोई दुख या तकलीफ होती है तो फौरन इंसान अपना जायजा लेता है, उसके जो ऊपर के पर्दे होते हैं वो हट जाते हैं। मसलन अगर राह चलते हुए आपको कहीं ठोकर लगी और आपके पांव को तकलीफ हुई तो आप क्या पलट के नहीं देखेंगे कि मैंने कहाँ पांव मारा था, ये क्या चीज लगी? अगर चलते हुए आपके पांव में कांटा चुभ जाए तो आप नहीं देखेंगे कि ये क्या हुआ? जब वो नजर आएगा, आपको निकालेंगे, तो फिर आप जरूर ध्यान करेंगे कि आइंदा मुझे इस रास्ते से इस तरह नहीं गुजरना, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए पांव जख्मी हो जाता है या मुझे चोट लगती है। और ये मीजान अल्लाह ताला इंसान के अंदर बहुत इब्तिदाई स्टेज से ही जिंदगी के डाल देता है। बच्चों को भी आप देखें कि जो बहुत नासमझ होते हैं तो और बात, लेकिन जो ही जरा सी होश संभालते हैं तो जिस चीज से चोट लगती है या जहां से तकलीफ उठाते हैं फिर वहां नहीं पलटते, फितरत पे है ना बच्चे। तो यही सबक हम सब के लिए कि जहां जहां से मुश्किलात आ रही हैं उन मुश्किलात के असबाब पर गौर किया जाए और फिर अपनी इस्लाह की जाए, अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए और दुनिया में ही हिसाब बराबर कर लिया जाए, इससे पहले कि क़यामत के दिन ऐसी पकड़ हो कि जिसके बाद वापसी का कोई दिन ही नहीं, कोई इस्लाह का मौका ही नहीं। असल में ये टॉपिक बहुत वसी है। अगर आप इसको इस सेंस में भी लें कि जो इस वक्त जमीन पर इंसानों को मसाइल हैं, ओजोन लेयर जो है उसके फटने से जो बीमारियां और जो मुसीबतें आ रही हैं, और सब इंसानों का अपना किया धरा है, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल और हर चीज में इसराफ और ला इल्मी और ना समझी, तो इसका हल भी यही है कि हम अपनी उसी सादा जिंदगी पे लौटें, फितरत पे वापस आएं, तो तभी अमन और सुकून से, आराम से सेहतमंद जिंदगी फिजिकली भी गुजार सकते हैं और ज़हनी तौर पर भी जबी। और फिर इसका ताल्लुक इंसानों के जो हमारे जिम्मेदारी और रोल्स हैं उनसे भी है। जैसे औरत का क्या मकाम है, औरत की क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर वो अपनी असल से हट जाती है तो माशरे में क्या क्या बिगाड़ पैदा होते हैं। अगर वो काम नहीं कर रही जिसे उसे करना चाहिए या जो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उससे क्या क्या बिगाड़ आते। तो इसीलिए मैंने फसाद का माना क्या किया, दिद्दुस्सलाह। और सलाह क्या है, जैसी चीज होनी चाहिए वैसे ही। और फसाद क्या है, इतदाल से हट जाना और असल से हट जाना, हकीकत से, फितरत से, शरीयत से, अल्लाह के बनाए हुए जो लॉ ऑफ नेचर्स हैं उनसे, इन सब चीजों के जो अल्लाह ने बना दिए, मीजान रख दिया, उससे जब भी कोई हटेगा, खा वो खानदानी जिंदगी हो, खा वो इनफरादी जिंदगी हो, खा वो माशी और माशरती जिंदगी हो, खा वो मुल्की और बैनुल अक़वामी, खा वो समुंदर के अंदर कुछ हो रहा हो या जमीन पर खुश्की में कुछ हो रहा हो, किसी गांव देहात में हो या किसी शहर में हो, कहीं भी हो, जो भी कुछ जमीन के ऊपर अल्लाह के अहकामात शरई या कौनी के खिलाफ इंसान जाएगा तो इंसान के लिए मसाइब के पहाड़ ही खड़े होंगे। और जब तक इंसान पलटेगा नहीं वो मसाइब टलेंगे नहीं। ये अल्लाह का एक तरीका है और अल्लाह ने एक वार्निंग दे दी है कि पलट जाओ, इससे पहले कि वहां पकड़ो। और फिर ये भी याद रखिए कि आयात कौनिया जो है उनका इनकार जो है या अल्लाह ताला के वो अहकामात जो उसके कायनात से मुतल्लिक हैं, इनमें भी जब इंसान बिगाड़ पैदा करता है तो दरअसल दूसरे इंसानों के लिए भी जीना हराम करता है और दूसरे इंसानों पर भी वो ज्यादती करता है। और उसका नतीजा क्या होता है कि बहुत से इंसान जब सफर करते हैं तो जुर्म किसका होगा, जिसने वो बिगाड़ किया, और फिर पकड़ भी उसी की होगी। तो खा कोई हुक्म शरई हो, बराह रास्त अल्लाह ने कुरान में किसी चीज के करने का हुक्म दिया या उससे रोका हो और उसकी खिलाफ वर्जी हो, या फिर वो आयात कौनिया कि जो उसके अहकामात इस पूरी कायनात के निजाम में काम कर रहे हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो। बहरहाल जहां इंसान दूसरों के लिए तकलीफ और मुसीबत का बायस बनता है तो क्या होता है, वो उसके अपने ही ऊपर वापस पलटती है, यानी वो खुद भी उसमें हिस्सेदार हो जाता है। कुल सीरू फिल अर्द, इस बात को समझने के लिए क्या करो, जमीन में सैर करो, और सैर भी हिस्सी और मानवी दोनों तरह से, यानी चल फिर के देखो अगर मौका मयसर हो, और अदरवाइज क्या करो, कल्बी सैर करो, किताबें पढ़ो, और उसमें सबसे सच्ची किताब पढ़ के देखो कि पिछली कौमों का हाल क्या हुआ, क्योंकि बहुत सी अकवाम ऐसी हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ला यालमुहुम इल्लल्लाह। और कुरान मजीद के अलावा अगर कुरान मजीद के उतरने के बाद के अदवार की जो तारीख है या कोई और दुनिया की तारीख है, तो सब की तारीख के पढ़ने का असल मकसद क्या होना चाहिए, इबरत हासिल करना, निगाह इबरत से उसको जानना चाहिए। कुल सीरू फिल अर्द, चलो फिरो जमीन में। कुल किससे खिताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सीरू अहले मक्का से खिताब है, लेकिन फिर हुक्म आम है क्योंकि कुरान सबके लिए। फिल अर्दी, जमीन में, और जमीन से मुराद अगर अहले मक्का के लिए हो तो वो उनके करीब के इलाके, आद, समूद और कौम लूत वगैरह के, और अदरवाइज फिर जहां जहां भी ऐसे आसार हों। फिल अर्द से मुराद अलल अर्द है, क्योंकि फी से मुराद ये नहीं क्योंकि खंदक बना के और खोद के जमीन उसके अंदर उतरो, इससे मुराद जमीन में चलो फिरो। अब जैसे हम उर्दू में भी तो कहते हैं ना, जमीन में चलो, तो मैं यहां किस माने में, पर फिल अर्दी। फंजुरू, फिर देखो, नजर इबरत से देखो, खाली मुशाहिदा नहीं, खाली सैर सपाटा नहीं, बल्कि गौर की निगाह, इबरत की निगाह, और उस निगाह से कोई नतीजा हासिल करो। क्या देखो, उन अकवाम का हाल, कई फकाना, कि किस तरह हुआ, आकिबतु अंजाम, अल्लज़ीना मिन क़ब्लु, उन लोगों का जो इससे पहले थे, यानी तुमसे पहले जो अकवाम गुजरी हैं, जाकर देखो उन पर क्या गुजरा, उनका क्या हाल हुआ, वो किस अंजाम को पहुंचे। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें से अक्सरियत मुशरिक थी। गोया बुरे अंजाम को क्यों पहुंचे, वो शिर्क की वजह से। और ये शिर्क, खा शिर्क अकबर हो या असगर, इंसान के लिए अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। तो शिर्क का अंजाम जो है वो हमेशा बुरा है। शिर्क किसी से भी अल्लाह को पसंद नहीं, खा कोई पैगंबर हो या उसके मानने वाले हो या कोई और हो। अल्लाह की जात में, सिफात में किसी और को शरीक करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो इस आयत से पता ये चलता है कि तारीख का इल्म हासिल करना जरूरी है, अल्लाह का हुक्म है, खा इंसान उन आसार पर खुद जाए या फिर किताबों में पढ़े, और किताबों में से भी सबसे सच्ची किताब कुरान में गौर व फिक्र करे, और उसके बाद सिर्फ कहानी के तौर पर नहीं पढ़े इनको। बहुत से लोग बच्चों को या बड़ों को स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स सुनाते हैं, या पिछली कौमों के किस्से कहानियां। तो याद रखिए कि जब भी वो किस्सा कहानी सुनाए किसी भी पैगंबर का, चाहे बच्चों को सुनाए या बड़ों को सुनाए, उसका मकसद एक हमेशा याद रखें, क्या, इब्रत, सबक। खा आदम का किस्सा हो या फिर कौम समूद हो या कौम लूत हो, कोई भी हो, हर किस्से से इब्रत का हासिल करना जरूरी, क्योंकि यहां पर फरमाया फंजुरू, देखो। देखो से मुराद सैर करो नहीं है, क्योंकि तबूक जाते हुए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा समूद के बस्तियों से गुजरे थे तो आपने क्या कहा था कि जाओ इनमें और सैर करो और खुश हो? नहीं, आपने फरमाया कि रोते हुए जाओ, और अगर रो नहीं सकते तो मत जाओ, यानी लाजमन इबरत के लिए जाओ। तो हमें इस बात का भी हुक्म है, यानी इल्म जो है वो किताबों से भी मिलता है, और इल्म जो है वो सैर के जरिए भी मिलता है। और फिर सैर एक मोमिन के लिए असल सैर क्या होती है, कि जिसमें वो कोई सबक सीखता है। यानी इस्लाम में किसी ऐसी पिकनिक और किसी ऐसी सैर और तफरी का कोई तस्वुर नहीं जो महज एक नफ्स की एंजॉयमेंट के लिए या एक तफरी बराए तफरी हो। और जिसमें सिर्फ खाना पीना और घूमना फिरना और कोई सबक ना हो। मोमिन का हर काम बामकसद होता है, उसकी सैर व तफरी भी बामकसद होती है, उसकी निगाह इबरत की निगाह होती है, खा वो घर में हो या घर से बाहर हो, खा वो लोगों को पढ़ रहा हो या वो किताबों को पढ़ रहा हो। फंजुरू कैफा कान आकिबतुल्लदीन मिन क़ब्लु कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। नतीजा अल्लाह ताला खुद निकाल के बता रहे हैं कि अक्सरियत मुशरिक थी। तो शिर्क वबाले जान है और ये एक हकीकत है। अगर आप किसी म्यूजियम में भी चले जाएं और पिछली कौमों के जो आसार कदीमा है, जो खुदाइयां हो रही हैं, तो उनमें से निकलता क्या है, क्या निकलता है? एक चीज जो हर जगह हर गुज़श्ता कौम के आसार में से निकलती है वो बुत है। अब बहुत सारा माल वो हड्डियां वगैरह तो है, लेकिन बुत एक कॉमन कल्चर जो है अकवाम का, वो क्या है? शिर्क, बुत परस्ती, किसी न किसी शक्ल में। हमने भी कहां छोड़ी, हमने भी अपने घरों को बुतों से सजाया हुआ। अगर हम खुदा न खास्ता जो पिछले दिनों ज़लज़ला आया और उसमें जो घर दबे हैं, तो अगर किसी वक्त उनको खोदा जाए तो बीच में से निकलेंगे ना बर्तन, निकलेंगे कपड़े, निकलेंगे मालूम नहीं क्या क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, स्कल्पचर्स और असनाम, और वो किस लिए रखे हुए थी, किसका घर था, क्या पता चलेगा किसका घर था। हमने एंटरटेनमेंट के नाम पर, सजावट के नाम पर, तफरीह के नाम पर अपने ही माल से, अपने ही हाथों से ऐसी अकवाम की मुशाबहत में ऐसी ऐसी चीजें खरीद के रखी हुई, और उस पर हम खुश भी होते हैं और समझते हैं कि हम बहुत तरक्की याफ्ता हो गए हैं। हालांकि अल्लाह ताला कदीम तारीख से बताते हैं कि वो उन सब का हाल ये था। मेरे ख्याल है कि मोटी मोटी बातें क्लियरली बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान के हुक्म को पढ़ने के बाद फिर भी अगर हम ना बदलें तो फिर हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसमें, उस सारे फसाद में हम भी हिस्सा बने हुए हैं। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आई थिंक वी नीड टू मेक अ प्रोजेक्ट, क्योंकि जहालत जो है ये सब खराबियों की इब्तिदा है, चाहे वो दीन से हो या फिर दुनिया के उमूर से हो। अगर इंसान को सही मालूम नहीं किसी चीज के बारे में, तो उसके साथ फिर सही रवैया भी नहीं हो सकता। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन अल्क़य्यिम, फ़अक़िम बस कायम करो, जमा दो, वजहक अपना चेहरा यानी अपना आप। किसको खिताब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपके तवस्सुत से सारी उम्मत, तमाम लोगों को, या फिर आपसे भी और आपकी उम्मत से भी खिताब है, लेकिन पुकारा आपको इसलिए गया है कि आप उम्मत के रहनुमा हैं। लिद्दीन अल्क़य्यिम, दुरुस्त दीन के लिए आप अपने आप को दुरुस्त दीन पर फोकस कर लें। मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यअतिय यौमुन, के वो दिन आ जाए। कौन सा दिन? कयामत का दिन। ला मरद्द लहू, नहीं लौटना उसके लिए, नहीं वो फिरेगा। मरद क्या है? मस्तर मीमी है। फिर उसको वापस नहीं पलटना, वो दिन फिर कभी नहीं मुड़ेगा, कोई वापसी ना होगी। मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। यौम इदिन, उस दिन, यस्सद्दाऊन, वो फट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो फसाद से निकलने का रास्ता क्या है? ज़हनी बिगाड़ हो या अमली बिगाड़ हो, आप देखिए कि हमारा दीन जो है वो इसराफ को रोकता है किसी भी मामले में। अगर हम इस एक उसूल पर अमल करें तो आप देखें कि जिंदगी में इतनी सादगी आ जाए और बहुत से ये जो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाए, अगर हम फजूल खर्ची छोड़ दें। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्च लोग जो शैतान के भाई, और हम इसी में खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सखी दिल हैं, दरिया दिल हैं। तो हल क्या है इस सारे फसाद से निकलने का? कि अपने आप को दीन पर जमाओ, दीन की तरफ मुतवज्जे हो, दीन की तरफ पलटो, और फिर उसके लिए एक बुनियाद फराहम की गई। क्या? मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुन ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, इससे पहले पहले कि वो दिन आ जाए जब फिर कोई भी पलटना न होगा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कोई वापसी नहीं होगी। अब देखें कि जितनी भी ग्लोबल वार्निंग्स हैं, या ये कहा जाता है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद ये हालात हो जाएंगे, फिर ऐसे मौके पे पहुंच जाएंगे कि कोई वापसी का मौका ना होगा या पलटने का, कितनी लोगों पे असर कर रही है? कुछ भी नहीं। लेकिन जिस दिल के अंदर खुदा का खौफ हो और आखिरत का खौफ हो, तो यही वो वाहिद मोटिवेशनल फैक्टर है कि जिसके बाद इंसान लाजमी पलटता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इनकलाब कैसे पैदा किया, लोगों के अंदर क्या चीज पैदा की थी कि वो तन्हाई में भी गलत काम नहीं करते थे? क्या चीज थी वो? अल्लाह का खौफ और आखिरत का फिक्र। और जब तक ये चीज ना हो किसी के अंदर, सही मानों में कोई इंसाफ नहीं कर सकता, ना अपने साथ और ना दूसरों के साथ। और उस दिन की यहाँ पर जो सिफत बताई गई कि वो दिन कैसा दिन होगा, यौमइदिन यस्सद्दाऊन, उसमें लोग फाट पड़ेंगे। ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा अहम है, गौर के काबिल। आमतौर पर जो मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत बयान की है वो ये कि लोग दो ग्रोहों में बंट जाएंगे, विच इज फाइन, दुरुस्त है। और उसमें हम सूरत रूम में ही पढ़ चुके हैं आयत 14 और 16 में कि वह यौम तकूमुस्साअतु यौमइदिन यतफर्रकून, कि क़यामत आएगी तो लोग क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौदतिन युहबरून वअम्मल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आख़िरा फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहदरून। ये तो एक बड़ी तकसीम है ही। सूरह शुरा आयत 7 में आता फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, एक ग्रोह उधर और एक उधर। सूरत यासीन में क्या आता है, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम अलग और मोमिन अलग, अलग अलग लोग हो जाएंगे। ये तो है मालूम, लेकिन यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ ही काबिल गौर है, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह पर एक मुख्तलिफ लफ्ज चलाते हैं, तो वो लफ्ज अपने अंदर को मानी रखता है। यहाँ भी ये तफर्रकून आ सकता था, ये अख्तलिफून आ सकता था, ये सद्दाऊन क्यों आया? ये सद्दाऊन का लफ्ज है ना, साद दाल ऐन से है। सदा का लफ्ज ही माना होता है किसी चीज का इस तरह फटना कि टुकड़ा जुदा ना हो, यानी चीज फटी है, क्रैक हुई है, लेकिन अलग नहीं हुई। इमाम रागिब कहते हैं कि ठोस अजसाम जैसे लोहे शीशे में शिगाफ पड़ना किस कदर मीनिंगफुल है। सुदा सर के दर्द को कहते हैं, जैसे सर फटता हुआ लगता है कि सर फट जाएगा, शदीद दर्द। अब आप देखिए कि वो लोग जो दुनिया में बज़ाहिर एक हैं, उनकी दोस्तियां हैं, मोहब्बतें हैं, ताल्लुक हैं, वो कट्ठे भी होंगे, जहन्नम में भी कट्ठे होंगे, या कयामत के दिन भी कट्ठे होंगे, मगर उनके दिल आपस में फटे हुए होंगे। ये सद्दाऊन, जैसे सर का दर्द होता है तो सर एक लगता है ना, लेकिन अंदर से लगता है कि अलग अलग हो जाएगा। तो एक होते हुए फटना, और इस तरह फटना के साथ भी रहना और फटना भी, ये है इस लफ्ज की असलियत। ऐसा कब होता है? मुसीबत के वक्त होता है। आप देखिए कि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं ना कि अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, कि दोस्त उस दिन बाज आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे, सिवाय तकवा वालों के। दुनिया में भी सच्ची दोस्ती सिर्फ तकवा की बुनियाद पे हो सकती है। अल्लाह का डर ही इंसानों को एक दूसरे के लिए मुखलिस रखता है, जाहिरी इख्तिलाफात के बावजूद भी इकट्ठा रखता है। यही वजह है कि सहाबा कराम एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते हैं और नाराज भी नहीं होते, अंदर से एक है, चाहे बज़ाहिर इख्तिलाफ भी है मगर अंदर से एक है, अंदर से नहीं फटे हुए। जबकि क़यामत के दिन लोग अंदर से फटे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह का खौफ अगर नहीं कहीं, दुनिया में आप देखें कि जहां भी इंसान जिसके भी साथ रहता है तो एक दूसरे से इख्तिलाफ होता है, मसलन माँ और बच्चों के दरमियान हो जाता है, बहन भाइयों के दरमियान, शौहर बीवी के दरमियान। लेकिन अगर खुलूस वाला रिश्ता हो तो बज़ाहिर छोटी छोटी तकलीफें, छोटी छोटी मुखालफतें, एक दूसरे की आर्ग्यूमेंट्स, वो उनको जोड़े ही रखते हैं, अलग नहीं होने देते। लेकिन अगर अल्लाह का खौफ ना हो तो दुनिया की कोई चीज, खा वो माल हो, खूबसूरती हो, कोई ओहदा हो, कोई चीज लोगों को सच्चे मानों में इकट्ठा नहीं कर सकती। इत्तेहाद की वाहिद बुनियाद तौहीद है, अल्लाह की मार्फत और अल्लाह का तकवा है, कि जब उसकी खातिर इंसान किसी के करीब होता है तो फिर शदीद एतमाद होता है। चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी, तो एतमाद नहीं कहीं जाता। इसी वजह से आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के माशरे में जहां ट्राइबलिज्म था, वहां आपस का मजबूत बॉन्ड और मोहब्बत डेवलप कर दी थी। और वो हर मामले में फिर, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, वो जो काम करते थे वो सच्चे दिल से और सही मानों में इकट्ठे होकर करते थे, इसीलिए उनके कामों में बरकत भी थी। 313 इसीलिए कामयाब भी हो जाते थे, थोड़े भी बहुत। और फिर आप देखिए कि कितनी कितनी तकलीफें उनको दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस्लाम से, अल्लाह से, रसूल से, दीन से मुतनफिर नहीं हुए, दीन नहीं छोड़ा उन्होंने। तो बात यह है कि ये जो कहा गया ना अकिम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम, इसका असल माना यह है कि इंसान पूरे इखलास और सच्चाई के साथ सिर्फ अल्लाह की खातिर दीन की तरफ रागिब हो, दुनिया का कोई मफाद और कोई गर्ज बीच में ना आए। और जब ये कैफियत आती है तो फिर क़यामत के दिन भी इंसान, चाहे वो रंग और नस्ल और दुनियावी स्टेटस के एतबार से बाहम कितना ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, वो इकट्ठा होगा। अहले जन्नत के दिल कैसे होंगे? कोई बाहम बुग़्ज़ और नफरत और हसद और रकाबत नहीं होगी। अगर दुनिया में एक दूसरे से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई, क्योंकि इंसान है, साहबा के दरमियान भी बाज़ागत हुई थी, तो जन्नत में ले जाने से पहले रोका जाएगा, कहाँ? नहरुल हयात पे, और सबके दिल धो दिए जाएंगे, बिल्कुल साफ करके अंदर जाने दिया जाएगा। इतनी सी चीज और हसद भी कोई नहीं लेके अंदर जाएगा। यह है जन्नत, वहां कोई अंदर से पटा हुआ नहीं होगा। यहां तो आप देखें ना किस कदर मुनाफकत होती है, सामने से लोग कुछ कह रहे होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, और इसको वो स्मार्टनेस समझते हैं या बड़ी होशियारी समझते हैं, लेकिन सच्चे मोमिन अंदर बाहर से एक होते हैं। और इंसान होने के नाते अगर कोई दुनिया में कमी बेशी हो भी जाए, क्योंकि इंसान है ना, और शैतान साथ है, तो कयामत के दिन जन्नत में जाने से पहले वो एक दिल के, सबके दिल एक होंगे, यस्सद्दाउन नहीं होंगे। इसके बरक्स अहले जहन्नम क्या करेंगे? सारा होकर लड़ाई करेंगे। पढ़े है ना कुरान पाक में, एक उसको लानत कर रहा है, वो कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा हत्ता इद्दारकू फीहा जमीअन, तो एक दूसरे को ब्लेम, वो उसको, वो उसको, वो लड़ाई झगड़े। और एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो झगड़े हैं जो वहां होने वाले हैं, और वो होते रहेंगे, और एक दूसरे का सर खाते रहेंगे, और चीखें चिल्लाएंगे, और लानत करेंगे, और बुरा भला कहेंगे। ये जहन्नम का नक्शा है। मन कफर फअलैहि कुफ्रुह, जो कुफर करेगा उस पर उसके कुफर का वबाल होगा। कुफर आप देखें कि एक कुफर अकबर होता है जिसमें अल्लाह ताला का इनकार है, डिनायल है, रसूल का, आखिरत का, कुरान का, वगैरह वगैरह। और एक असगर होता है जिसमें इंसान इताअत का इनकार करता है। किसका इनकार? इताअत का, डिसओबीडियंस। अच्छा, बाज लोग कुफर को गाली समझते हैं, किसी को काफिर कहने को क्या समझते हैं कि ये क्या है, कि गोया किसी को अब्यूज कर रहे हैं। काफिर इज अ डिनायर, इट्स नॉट एन अब्यूज। कोई गाली नहीं है किसी के लिए, जो भी डिनाय करे। और इसमें आप देखिए कि अगर कोई मुस्लिम किसी दूसरे मजहब को डिनाय करता है तो दूसरे मजहब वाले भी तो इक्वली डिनाय करते हैं ना इस्लाम को, या नहीं? और हर मजहब वाले दूसरे मजहब वाले को डिनाय कर रहे हैं, या नहीं? हर एक कर रहा है ना ये। तो जब हर एक दूसरे को डिनाय कर रहा है और अपने आप को सही समझता है, तो इसमें अगर एक मुस्लिम किसी दूसरे के तरीके को डिनाय कर रहा है तो इसमें अब्यूज करना थोड़ी है, इट्स अ फैक्ट। और जरूरी नहीं कि हर एक दूसरे से एग्री करे। दुनिया में अल्लाह ने आजादी दी है, फमन शाह फलियोमन वमन शाह फलियकफुर, जिसका दिल चाहे मान जाए, जिसका दिल ना चाहे ना माने। लेकिन इन अल्फाज को मिसयूज किया गया, और इनको भी एक तरह से यानी इस्लाम या अहले इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुफर गाली नहीं है कोई। मन कफरा, जिसने भी इनकार किया, चाहे अल्लाह की जात से या फिर उसका हुक्म मानने से, फअलैहि कुफ्रुह, तो उसी पर है उसका कुफर। क्या मतलब? उसके कुफर का वबाल, उसका अंजाम उसी के सामने आएगा। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, हर कोई अपना बोझ खुद पूरा पूरा उठाएगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमन अमिल सालिहन, और जिसने अच्छे काम किए, फलि अनफुसिहिम, बस वो अपने नफ्सों के लिए, यमहदून, हमवार कर रहे हैं। क्या? जन्नत का घर, कब्र का गड़ा। यमहदून का लफ्ज बड़ा खूबसूरत है। ये महद से है और मिहाद से। महद किसको कहते हैं? पंगूड़े को, जिसे बच्चे को लिटाया जाता है, बच्चे की कॉट। माँ को जब बच्चे को लिटाना होता है बिस्तर में या कॉट में, तो क्या करती? झाड़ती है ना, ठीक करती है ना, सीधा करती है ना, आरामदेह बनाते, को बल सिलवट वगैरह हो तो निकालते, चाहे वो पहले से ठीक भी हो, फिर भी क्या करते, एक दफा हाथ फेरते हैं ना ऊपर। ये महद होता है कि जिसको आप हमवार करते हैं, स्मूथ करते हैं, तैयार करते हैं। इसी तरह मिहाद बिछौने को कहते हैं। हम अपने बिस्तर पे भी जाने से पहले क्या करते हैं? झाड़ फटक के, जरा सीधा करके, सेट करके फिर उसमें जाते हैं। तो यमहदून का माना है वो जन्नत का घर, अपनी अबदी आरामगाह या अपने कब्र का टुकड़ा क्या कर रहे हैं, हमवार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसको दुरुस्त कर रहे हैं ताकि वो वहां लेटने, सोने और आराम करने के काबिल हो जाए। और ये हर एक के अपने अपने ऊपर। आपको मालूम है ना कि बेड्स की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, कीमतें हैं, और मैट्रेसेस उनकी क्या क्या वैरायटी है और क्या क्या उनकी प्राइसेस हैं, कीमतें, फर्क है, बहुत फर्क है। और फिर आप कहते हैं नहीं ये मैट्रेस ठीक नहीं, ये चेंज कर देना चाहिए, अब ये होना चाहिए ना, ये भी ठीक नहीं आ रहा, इससे अच्छा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, कहीं कभी चैन नहीं आया, कमर में फिर भी दर्द रहता है। तो मुसलसल किस तलाश में रहते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ वो इंसान के जिस्म में भी तब्दीलियां आती हैं और वो बिस्तर खराब भी होते रहते हैं, तो तब्दीली जरूरी होती है। बहरहाल तो इसी से आप अंदाजा करें कि जो लोग आखिरत के बारे में फिक्रमंद हैं वो अच्छे अमाल के जरिए अपने वहां के जो बिस्तर या रहने की जगह है या सामान है उसको बेहतर से बेहतर बनाते रहते हैं, यमहदून करते रहते हैं, मरने तक वो अपना संवारते रहते हैं। महद, इसका रूट है मीम हे दाल, महद मिहाद, लहद का अपोजिट है, लहद कब्र को कहते हैं, महद बिछौने को कहते हैं। मन कफर फअलैहि कुफ्रुह व मन अमिल सालिहन, और अमल सालिह कौन सा होता है, खालिस नियत और तरीके सुन्नत के मुताबिक, न रियाकारी न बिदत, दो चीजों से बचना, ठीक है, कल्ब सलीम के साथ और अमल सलीम के साथ। तो किसका ठिकाना किस क्वालिटी का होगा, किसका मैट्रेस कितना कीमती होगा, जितना उसका इखलास होगा और जितना उसका काम क्वालिटी का होगा, जितनी ज्यादा वो मेहनत मशक्कत करेगा, जितना वो अफोर्ड करेगा। मन कफर फअलैहि कुफ्र, गलत कार भी अपना अंजाम खुद ही समेटेंगे, और इसी तरह नेक काम करने वाले भी अपने नफ्सों के लिए, अपनी जात के लिए, अपनी जानों के लिए अपना रास्ता हमवार कर रहे हैं और अपने ठिकाने बना रहे हैं। कभी आप देखिए किसी सफर पे जाएं आप, अगर आपने हज किया हो और मुजदलिफा की रात याद हो आपको, तो उसमें क्या होता है, हर एक को अपनी पड़ी हुई होती है कि कहाँ मुझे बिस्तर बनाना है और किस तरह उसको दुरुस्त करना है और कहाँ लेटना है कि मैं दिन भर की थकावट जो है उसका इंतजाम कर सकूं। या किसी भी पिकनिक पे, सफर पे, कहीं कैंपिंग में, कहीं आप घर से बाहर निकले हो तो सबसे पहले फिक्र किस बात की होती है, आराम की जगह सही हो। तो यमहदून, दुनिया में हम कैसी कैसी फिक्रें करते हैं ना, लेकिन आखिरत में वो कब्र का गढ़ा मरने के बाद वो कैसा होगा, आरामदेह है या नहीं, कोई किसी प्रिजन का सेल है या फिर कोई जन्नत का बाग है, किसी बाग का टुकड़ा है, कोई आरामदेह झूला है या फिर मुसीबत की जगह है। कभी सोचते भी नहीं कि क्या क्या चीजें वहां तकलीफ देह हो सकती हैं और क्या क्या चीजें वहां लगाने और बनाने की जरूरत है, और उसके लिए एक ही चीज है और वो अमल सालेह चाहिए। लियजज़ी अल्लज़ीना, ताकि जज़ा दे अल्लाह उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, बदला दे ईमान वालों को, वा अमिलुस सालिहाती और उन्होंने अच्छे काम किए, मिन फदलिह अपने फजल से, अपनी रहमत से। गोया बदला देना उस पे वाजिब नहीं, ये उसका फजल है, अपने फजल से बदला दे, क्योंकि कतब अला नफ्सिह रहमा, उसने अपने ऊपर रहमत लिखी है, उस रहमत के साथ वो, रहमत की वजह से वो अच्छा बदला देगा ईमान वालों, वरना किसी के भी अमल ऐसे नहीं कि वो उसको जन्नत तक पहुंचा सके, क्योंकि जन्नत इतनी हाई प्राइस, हाई क्वालिटी चीज है कि कोई शख्स पूरी जिंदगी भी काम करके उसको नहीं हासिल कर सकता। मसला आप देखें, दुनिया में इंसान की तरह तरह की ख्वाहिशात होती हैं। आपकी कोई ख्वाहिश हो सकती है कि आपको दुनिया में कोई पैलेस मिल जाए। अब अगर आप पूरी जिंदगी भी कोशिश करें, काम करें, दिन रात दो दो जॉब्स करें, तो आप क्या कहेंगे कि मैं फलां पैलेस खरीद सकती हूँ? नहीं खरीद सकती। तो ये तो जन्नत है, दुनिया का पैलेस नहीं है कोई, जन्नत है। सारी जिंदगी भी हम काम करें, दिन रात डबल शिफ्ट भी करें तो वो नहीं ले सकते अपने कामों से, वो इतनी ज्यादा प्राइस है उसकी। फिर क्या चाहिए? अल्लाह का फजल चाहिए तो तभी जा सकते हैं, वरना हम डिजर्व नहीं करते, ना हम इस काबिल हैं। कोई अपने अमल की वजह से वहां नहीं जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि जब कोई अच्छे काम करता है तो वो अल्लाह ताला उससे खुश होता है, और खुश होता है तो उसको इनाम देता है, और ये उसकी रहमत और फजल है जिसके लिए चाहे वो जन्नत को, क्या कहा अल्लाह ने, मेरी रहमत, मैं जिसको चाहूं इस रहमत से फायदा पहुंचाऊं। लेकिन हैरत होती है ना कि जब इतनी आला दर्जे की चीज के हम मुतलाशी हैं या हम चाहते हैं तो डबल शिफ्ट ना सही सिंगल ही कर लें, कुछ तो काम करें। और अगर हम काम ही ना करें और महज तमन्नाएं करते रहें कि हमें खुद से खुद ही कुछ मिल जाएगा तो ये भी दुरुस्त नहीं, कुछ करना पड़ेगा। और वो सख्त मेहनत कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी उस मकसद के लिए लगा दे कि मुझे किसी भी तरह अल्लाह की नजर में जचना है कि अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, कि मैं उसके रहम के लायक हो जाऊं, वो मुझ पर नजर रहमत फरमा दे। मिन फदलिही इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन, बेशक वो नहीं मोहब्बत रखता काफिरों से। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला मोहब्बत भी करते हैं और बुग़्ज़ भी रखते हैं। तो अगर वो काफिरों से मोहब्बत नहीं करता तो किससे मोहब्बत करता है? ईमान लाकर अच्छे काम करने वालों से। तो फिर जन्नत किसको देगा? जिससे वो मोहब्बत करेगा, जिससे वो मोहब्बत करता होगा, जो उसका पसंदीदा होगा। वरना जन्नत में तो एक कोड़ा रखने की जगह पूरी दुनिया और जो उसके अंदर उससे बेहतर है। कभी हम अपने आप को देखें तो किस चीज के खरीदार हैं, किस चीज के, यानी जेब में पाई ना हो और हम चल पड़े कुछ खरीदने, तो ये हमाकत नहीं? कहा कोई डिजर्व नहीं करते। कोई दुनिया का मामला हो तो कोई धक्के देके बाहर निकाल दे, तुम लेने यहाँ क्या आयो। तो ये उसकी शदीद रहमत है कि जो वो अपने बंदों पर करेगा, उन बंदों पर जिनसे वो राजी हो जाएगा, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, जिनसे वो खुश हो जाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हर लम्हा कुछ ना कुछ ऐसा करें, और कुछ नहीं तो मुस्कुरा ही दें, सलाम ही कर दें, कुछ ही कर दें कि जिससे वो हमसे खुश हो जाए। उठते बैठते चलते फिरते कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि जिससे वो खुश हो जाए। आप देखिए कि हमें जब बंदों से कुछ काम होता है तो हम कोशिश करते हैं बंदे हमसे खुश हो। जोर जबरदस्ती धमकी से आप नहीं करवा सकते कुछ, किसी का दिल नहीं जीत सकते। तो बात यह है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए। देखिए कुछ भी कर लेना, उल्टे भी लटक जाए तो हम वो नहीं ला सकते जिससे हम जन्नत के हकदार हो सके, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो एक काम हम कर सकते कि जो टूटी फूटी छोटी मोटी कोशिश, हर वक्त इस बात की तलब और ख्वाहिश में रहे कि कोई ऐसा काम करो अल्लाह ताला राजी हो जाए। छोटा छोटा भी करते रहे, शायद अल्लाह ताला इसी से राजी हो जाए, शायद इसी से राजी हो जाए, शायद इससे खुश हो जाए। चाहे वो रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज हटाना है, चाहे वो किसी की खिदमत करना, चाहे वो किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा गुमान ही रखना है। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी के लिए अच्छा गुमान रखना भी इबादत है, हुस्न ज़न्न मिन हुस्न इबादा। लेकिन शैतान हमारे जहन को हर वक्त दूसरों के खिलाफ तपाए रखता है, और कुछ नहीं तो हम ये नेकी नहीं कमाने के काबिल रहते। तो अच्छी अच्छी बातें सोचते रहे दूसरों के लिए। किसी ने कोई तकलीफ दी उसको भूल के कोई अच्छी बात उसकी नहीं तो किसी और की। तो अपने जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, यानी कुछ 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 ऐसा करते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए। बस खुश करना है, असल मकसूद क्या है, हमें अल्लाह को खुश कर देना है। और हर शख्स की अपनी अपनी वुसअत है, अपनी अपनी हिम्मत की बात है। और अल्लाह ताला हर एक से ये देखेगा कि इसकी क्या हिम्मत थी, ये क्या कर सकता था। और उन सारे कामों से बचें जो अल्लाह की नाराजगी के हैं। और अल्लाह की नाराजगी किस में है? ला युहिब्बुल काफिरीन, कुफ्र में अल्लाह की बात ना मानना, जो कहता है वो ना करना, और उसका गुस्सा भड़काना। चलिए तिलावत सुनिए, क्योंकि यहाँ एक मौजू मुकम्मल होता है। दुनिया में जैसे वो हमारी पहुंच से बाहर है, उनको हम नहीं पा सकते, बहुत दूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, लगे रहते हैं। एक के बाद एक कोशिश, ट्राई अगेन, फिर क्या होता है, पा लेते हैं। अगर सच्ची तलब हो किसी भी चीज की तो अल्लाह ताला रास्ते हमवार जरूर कर देता है। असल में अल्लाह बंदे में ये देखता है कि ये अपनी बात में, तड़प में सच्चा कितना है, ये क्या चाहता है। क्या उसको नहीं पता हम क्या चाहते हैं? तो वो भी हमारी चाहत के मुताबिक फिर हमसे मामला करता है ना। आगे चलते हैं। वह मिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से किस बात की निशानी है? कुदरत की, हिकमत की, रहमत की। अयुरसल रियाहा, कि वो भेजता है हवाओं को। रीह की जमा रियाह। रीह अगर सिंगुलर हो तो अजाब के मानों में भी आता है, रीहुन फीहा अजाबुन अलीम जैसे आता है एक और जगह। और रियाह जमा हो तो रहमत की हवाएं। इसीलिए जब हवा चलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगते? अल्लाहुम्मा जअलहा रियाहन वला तजअलहा रीहन, ए अल्लाह इस हवा को रियाह बनाना, रीह ना बनाना, कि ये अजाब ना लाए, ये रहमत लाए। क्योंकि पिछली कौम, एक कौम कौम आद, किससे तबाह की गई थी? हवा से। तो ये उसकी कुदरत की निशानी है कि वो हवा चला देता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर हवा चलना बंद हो जाए तो हम सारी दुनिया के लोग मिलकर फूंके मारें या पंखे चला दें और हवा पैदा करें और सिर्फ एक शहर को ठंडा कर दें, कर सकते? नहीं कर सकते। घर को नहीं ठंडा कर सकते बिल्कुल। कभी सोचा कि ये कितनी बड़ी रहमत है, जब पत्ते हिलते नजर आते हैं और जब जिस्म को आके गुदगुदाती है ये हवा, और ये जब पूरी फिजा को बदल देती है, पोल्यूशन उठा के ले जाती है हमारी। तो ये कौन करता है? ये कहां से आती? सोर्स क्या है इसका? सोर्स क्या है? बादल तो हम देख के कहते हैं अच्छा जी समुद्रों से भाप उठी और वो ऊपर जाके ठंडी हो गई और बादल बन गए और फिर वो हवा चला रही। उनको हवा किधर से आ रही है ये बताइए। और जब वो चाहता है चलाता है, और जिस रुख से चाहता है चला देता है, मशरिक से चाहे, मगरिब से चाहे, शुमाल से चाहे, जुनूब से चाहे। और हर रुख की हवाओं का अपना एक असर है। दिन को चाहे, रात को चाहे, जब चाहे तेज चला दे, आप हल्का नहीं कर सकते उसको। हल्का हल्का रखे, आप उसे तेज नहीं कर सकते। चाहे तो वो आंधी बन जाए, डस्ट उड़ा दे सारी, चाहे तो वो आपकी छतें उड़ा दे, कुछ कर दे। क्या कर सकते हैं आप? ये सिर्फ एक हवा जो हमें नजर भी नहीं आती, सिर्फ महसूस कराती है अपना आप। सिर्फ इस पर ही गौर कर लो तो उसकी कुदरत को पहचान जाओगे, उसकी ताकत को जान जाओगे, उसकी हिकमत को समझ जाओगे। और हवाएं भी बेमकसद और बेकार नहीं चलती, कैसे उड़ी फिरती हैं इधर से उधर, सैर तफरी करते। वो भी किसी मकसद के लिए चलती हैं। वो मिन आयातिही अन युरसिल रियाहा मुबश्शिरातिन, खुशखबरी देने वाली है। मुबश्शिरातुन की जमा, नाम भी रखते हैं ना, लेकिन हम उसको पढ़ते गलत है, मुबश्शिरा पढ़ते हैं। लेकिन बेसिकली जो प्रोनाउंसिएशन सही है वो है मुबश्शिरा। मुबश्शिरातिन, खुशखबरी देने वाली है। और मुबश्शिरात का लफ्ज बशारत से है, और बशारत वो खबर होती है जो इंसान के बशरे पर असर डालती है, जिससे इंसान की स्किन और इंसान का जो एक सेंस है वो मुतासर होती है। इंसान खुश हो जाता है, यानी उसके चेहरे से खुशी टपकने लगती। और आपने देखा होगा अगर मौसम अच्छा हो, हवा वगैरह चल रही हो, तो लोग कहे बगैर मुस्कुराने लगते हैं, यानी इनके चेहरे खिले हुए होते हैं कुदरती तौर पर, मूड अच्छे होते हैं। और अगर गर्मी हो जाए, हवा ना चले, तो हवाइयां उड़ी हुई होती हैं। तो मुबश्शिरातिन, खुशखबरी लाने वालियां, किस बात की? बारिश की, और बारिश के बाद के जो अगले नताइज हैं उनकी। क्योंकि हवा चली है, बारिश होगी, बारिश होगी तो सब्जा उगेगा, पौधे उगेंगे, पौधे उगेंगे और फिर उससे फल फूल निकलेंगे। तो वो एक पूरा तसव्वुर में आ जाता है कि ये कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह की। वलियुज़ीक़कुम, और ताकि वो चखाए तुमको। इस सूरत में युज़ीक़ का लफ्ज़ बहुत आया, ताकि चखाए तुमको मिर रहमतिही, अपनी रहमत में से, यानी बारिश वगैरह में से। वलितजरी अलफुल्कु, और ताकि चलें कश्तियां, क्योंकि कश्तियों के चलने के लिए भी हवा चाहिए होती। अगर हवा रुक जाए तो कश्तियां भी रुक जाएं। और हवा भी एक अंदाजे और एक हद की चाहिए होती है। अगर बहुत तेज हो जाए तो मुसीबत, और अगर कम हो जाए तो मुश्किल। वलितजरी अलफुल्कु बिअम्रिही, उसके हुक्म के साथ। ये अमर कौन सा है? शरई है, कौनी अमर कौनी। वलितब्तगू मिन फदलिही, और ताकि तुम ढूंढो उसके फजल में से। फजल से मुराद रिस्क, यानी कश्तियों पर बैठ के समुन्द्र में जाओ और वहां से अपना रिस्क तलाश करो। समुद्री तिजारत की तरफ इशारा है। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो आप देखिए एक हवा के चलने से कितने काम होते हैं। बारिश आती है, अल्लाह की रहमत और एक खुशहाली और एक खुशी, और फिर बारिश के नतीजे में बहुत सी चीजें पैदावार, और फिर हवा ही से कश्तियां चलती हैं, और कश्तियां चलती हैं तो तिजारत होती है। कितने ही लोगों का रिस्क समुंदर में, यानी खुद समुंदर से चीजें निकालना अलग, और उसके अलावा समुंदर के जरिए जहाज एक जगह से दूसरी जगह सामान से लद लद के जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये जितने भी ओशंस से आर पार होते हैं लोग, अगर इसके बगैर ये सब कुछ करना पड़ता तो खुशकी के रास्ते या हवाई सफर से तो बहुत मुश्किल हो जाती। फरमाए वाले तब तगू मिन फजली, कहा वो हवा चली और उसके नतीजे में हम तक रिस्क पहुंचा, और रिस्क पर हमारी जिंदगी का दारो मदार है। और हमसे क्या मुतालबा है, फायदे उठा लो सब हवा के, लेकिन लअल्लकुम तशकुरून, शुक्रगुजार बनो, हर वक्त शिकायतें ना किया करो। और शुक्र के बारे में पीछे हम बहुत पढ़ चुके हैं। क्या शुक्र कल्बी भी होता है, लिसानी भी होता है, और बिलजवारिह अमल से भी होता है। कल्बी क्या है, दिल का अल्लाह की मोहब्बत से भर जाना, उस नेमत का एतराफ करना, जबान से फिर उसका जिक्र करना, और जवारिह या अमल से उसका क्या करना, वो काम करना जो अल्लाह को पसंद हो। और जैसे आता है ना, वइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तहसूहा, कि एक नेमत से कई नेमतों के दरवाजे खुलते हैं। एक हवा से कहाँ तक बात पहुंचाई ना। हवा ना चले तो क्या नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं उगेंगी, कहत होगा, फसलें नहीं होगी तो खाओगे कहाँ से, रिस्क कहाँ से तलाश करोगे। हवा नहीं चलेगी तो कश्तियां नहीं चलेंगी, कश्तियां नहीं चलेंगी तो तिजारत रुक जाएगी, काम नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा तो रिस्क कहाँ से आएगा, और फिर क्या करोगे। तो कभी हमने नहीं सोचा, और कभी हवा के चलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार ही नहीं हुए दिल से। किस कदर गाफिल हैं हम। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक रुसुलन, और अलबत्ता तहकीक भेजे हमने आपसे पहले कई रसूल। यानी एक रहमत हवाओं के साथ और एक रहमत वही के साथ, रसूलों के जरिए हिदायत भी साथ साथ। सिर्फ रिस्क नहीं दिया बल्कि हिदायत का इंतजाम भी किया। इलाक़ों में हम उनकी कौमों की तरफ, फजाऊहुम बिलबय्यिनात, फिर वो लाए उनके पास खुली खुली निशानियां, लेकिन लोग फिर भी न माने। फंतकमना मिनल्लज़ीन अजरमू, तो बदला लेके छोड़ा हमने उन लोगों से जिन्होंने जुर्म किया। फंतकमना, नून काफ मीम, नकामा। नकामा होता है किसी चीज को बुरा समझना, और जब इंसान किसी चीज को बुरा समझता है तो फिर क्या करता है, उससे जान छुड़ा के रहता है या नहीं। क्या होता है उसका अंजाम, नकामा माना होता है किसी चीज को बुरा समझना, और इंतकाम क्या होता है, जिस चीज को बुरा समझे उससे बदला लेके छोड़े, उससे सजा चखा के। तो हमने उनसे इंतकाम लिया। किनसे, अल्लदीना अजरमू, जिन्होंने जुर्म किया था। जुर्म क्या होता है, ममनुआत का इर्तिकाब, यानी जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उनको करना। दुनियावी एतबार से देखें तो अगर आप किसी मुल्क का कानून तोड़ते हैं तो उसे जुर्म, ऑफेंस करार दिया जाएगा, और फिर उस पर सजा होगी। इसी तरह अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करना, यह भी जुर्म है। बेसिकली हर वो फेल जिस पे गुनाह लाजिम आए वो जुर्म है। क्या है जुर्म, हर वो फेल जिसके करने पे गुनाह लिखा जाए वो जुर्म है, और जब गुनाह लिखा जाएगा तो सजा खुद ब खुद होगी। यानी जुर्म और सजा का आपस में राब्ता होता है ना। हर वो काम जिस पे सजा लाजिम आए वो क्या है, जुर्म। जुर्म का लफ्ज़ी माना होता है कत्अ, काटना। फंतखमना मिनल्लज़ीना अजरमू, और यहाँ जुर्म से मुराद पैगम्बरों का इनकार है और उनकी लाई तालीमात का इनकार है। तो नतीजा क्या हुआ, उनको हमने सजा दी। वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुअमिनीन, और हम पर हक था कि हम मोमिनों की मदद करते। काना हक़्क़न अलैना, हमारे जिम्मा ये हक वाजिब था। किस बात का, कि मोमिनों की मदद करें। मोमिनों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। इस आयत में एक तरफ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि मक्का में अगर आपके लिए जिंदगी तंग कर दी गई है तो आप गम ना करें, आपसे पहले जितने भी रसूल हमने भेजे वो अपनी कौमों के पास तरह तरह के दलाइल लेकर आए, मोजज़े उन्होंने दिखाए, फिर भी लोग नहीं माने। तो देखो उनकी तारीख, अंजाम किसके हक में खराब हुआ, जो नहीं माने थे। और हमने मदद किसकी की, हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, मोमिनों की। कौम नूह में से कौन बचाए गए, ईमान वाले। आद में से कौन बचाए गए, ईमान वाले। समूद में से ईमान वाले। कौम लूत में से ईमान वाले। कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी का ईमान सच्चा है, खालिस है, तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। और अल्लाह की मदद जो है दलाइल की शक्ल में तो है ही, और उसके बाद मादी शक्ल में भी अल्लाह ताला मदद करता है। यानी अहले ईमान का गलबा बाकियों पर दलाइल के एतबार से तो हर वक्त, यानी जो सच्चाई है उनके पास वो हर वक्त मौजूद है। सच्चाई का अपना एक वजन होता है, लेकिन मादी मानों में मटेरियलिस्टिकली वो मदद भी जब आती है जब इंसान अल्लाह के अहकामात पर सच्चे दिल से अमल करता है। मुश्किल जरूर होती है लेकिन मदद भी मिलती है, और इसमें हर एतबार से और हर लेवल पर यह हो सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मिसाल दूंगी एक हदीस से कि अल्लाह मोमिनों की मदद कैसे करता है। हदीस में आता है, मा मिन इम्रिइम मुस्लिमिन, कोई मुसलमान शख्स ऐसा नहीं होता, यरुद्दु अन इर्दि अखीही, जो अपने भाई की इज्जत का दिफा करता हो, इल्ला काना हक़्क़न अलल्लाही, मगर ये अल्लाह के ऊपर हक है, अन यरुद्द अन्हु नारा जहन्नम, के वो उससे जहन्नम की आग दूर कर दे, फेर दे। मसलन कहीं अगर किसी की गीबत हो रही है, कहीं अगर किसी के खिलाफ कोई बात की जा रही है और दूसरा शख्स उस बात की हकीकत को जानता है और वो उसका दिफा करता है। मसलन अगर कोई कहता है कि फलां शख्स जो है वो चोर है, और ये जानता है कि वो चोर नहीं, और ये कहता है नहीं मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो चोर नहीं और उसने चोरी नहीं की। अगर वाकई जानता है, गवाही तभी दे सकता है ना इंसान जब वाकई जानता हो। तो जब कोई शख्स किसी की इज्जत का दिफा करता है, किसी के खिलाफ सब लोग बोल रहे हैं और वो सबसे हट कर क्या करता है, उसको डिफेंड करता है, तो ऐसे बंदे से जहन्नम की आग फेरना अल्लाह के जिम्मे है। कितने ही मौके हमारे पास ऐसे होते हैं जब लोग एका करके मिलजुल के किसी की गैर मौजूदगी में उसके पीछे पड़ जाते हैं, होता या नहीं? बेवजह के बहुतान तराजियां करने लगते हैं, कोई जिनमें सच्चाई हकीकत नहीं होती, और लोग मजे से बैठ के सुनते रहते हैं। कोई नहीं कहता ये गलत है, क्यों नहीं कहता? देखिए अगर तो कोई जानता नहीं तो वो तो उसकी खामोशी तो एक खामोशी है। मसलन अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते, किसी चौथे पांचवें आदमी की बात है जिसको आप ना जानते हैं ना पहचानते हैं, कोई उसके बारे में कुछ कह रहा है तो आप ज्यादा ये कहेंगे कि छोड़े किसी की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जानते हैं और वाकई उस मामले से मुतल्लिक हैं आप और फिर दिफा ना करें तो वो गलत बात है। इसी तरह दीन का दिफा करना क्या होता है, यानी इस्लाम पर अगर कोई एतराज है किसी को, कोई लाइलमी है, नासमझी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, तो आप उसका दिफा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हैं, किताब का, कुरान का, किसी भी चीज का। तो जो वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा। अगर बात कोई किसी के खिलाफ कर रहा और बात सच है, दुरुस्त है, तो ऐसी सूरत में भी ऐसी बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। और क्यों नहीं तूल देना चाहिए? इसलिए कि या तो इंसान फिर उस बुराई को उठ के रोके। आपको हक नहीं कि आप किसी की बुराई खामखा दिलचस्पी से सुनते रहें कि अच्छा चले और पता चले कौन क्या करता है, हक नहीं। इल्ला ये कि आप उसकी इस्लाह कर सकते हो या आप उसकी कोई रोक कर सकते हो, और अगर आप रोक नहीं सकते तो फिर आपको हक भी नहीं कि आप बेवजह सुनते जाएं। यानी किसी की पीठ पीछे बैठ के उसके खिलाफ बुराइयां करना और एक महाजराई कायम कर लेना, ये सरासर अपने आप को नुकसान देना है, किसी का कुछ नहीं जाता। चलिए, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह, अल्लाह ही हवाओं को भेजता है, फतुसीरु सहाबन, फिर वो उठाती हैं बादल। हवाएं क्या करती हैं? बादल ऊपर उठाती। असारा युसीरु इसारतन का क्या माना होता है? उभारना, नीचे से ऊपर ले जाना। तुसीरुल अर्द, हल चलाने के लिए आता है। हल चलाने में भी क्या होता है? नीचे की मिट्टी ऊपर की जाती, यही होता है ना हल। तो यही है कि समंदर का पानी हवा में उठा ले जाती, ये हवाएं करती, फतसीरु सहाबन ऊपर उठाती, फयबसुतुहु फिर वो फैला देता है उसको, किसको? सहाब को। कहा फिस समाई आसमान में हवा आई, उसने पानी उठाया, उठा के ऊपर ले गई, ऊपर जाके अल्लाह ताला उसको फैला देता है, यानी वो एक जगह नहीं रहती बल्कि फैल जाता है, किधर को ले जाता है, मशरिक को, मगरिब को, ऊपर नीचे, कैसे कई फयशा, जैसे वो चाहता है। इससे पता चलता है कि सारा इख्तियार हवा पे, बादलों पे किसका है? अल्लाह का है। जैसे चाहे उसको शेप दे। आपको भी बादलों को देखते रहे, आपने देखा होगा कि उनकी शक्लें बदलती रहती। पता नहीं आप लोगों को भी, क्यों बचपन में मेरा तो बहुत पसंदीदा मशगला होता था, लेट के सिर्फ बादल की बदलती शक्लें देखते रहना कि अच्छा अब ये इधर हो गए, फिर दूसरों कहना वो देखो क्या बन गया, वो देखो क्या बन गया। तो ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ना हमारा इस पे इख्तियार है कि ऊपर जाके उसको कुछ हिलाएं जुलाएं या कुछ और मोड़ें तोड़ें। इतना कुछ इंसान ने बना लिया, कोई ऐसी चीज नहीं बना सका कि जिससे वो अपनी मर्जी की बादलों की शेप्स बनाए। ये अल्लाह बनाता है। कैसे बनाता है? कैफ़ यशा, जैसे वो चाहता है। और कितनी किस्में ना बादलों की, कैसे कैसे रंग होते हैं उनमें, और कैसे कैसे शक्लें, और होल वर्ल्ड। वो ये जालूहू किसफन, और वो बनाता है उसको क्या? किसफन, टुकड़े। यानी सारा बादल एक जगह नहीं इकट्ठा हो जाता, बल्कि क्या करता है, फैला के टुकड़ियों की शक्ल में फैला देता है, टुकड़े टुकड़े करके फैला देता है। और कभी तो टुकड़े अर्ज में फैलते हैं और कभी टुकड़े एक दूसरे के ऊपर जमा होते चले जाते हैं, यानी चाहे तो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली, जिस तरह चाहे वो टुकड़ों को फैला दे, जोड़ दे। फतरल वदका, फिर तुम देखते हो बारिश के कतरों को। वदक, वदक कहते हैं वो बारीक बारीक नुक्ते जो बारिश में होते हैं। बारिश के बारीक कतरे होते हैं, फुहार सी नहीं थी, वो गुबार सा होता है। कभी देखा, कभी गौर किया बारिश पे? एक तो बारिश के वो मोटे मोटे कतरे नहीं, मी के बरसते नजर आते हैं ना, और एक वो होती है कि जो मिस्ट सी होती है, वदक। नियाग्रा फॉल्स में देख सकते हैं। फतरल वदका, तुम देखते हो बारिश के कतरों को। यखरुजु, निकलते हैं। मिन खिलालिही, उसके दरमियान से बारीक से बारीक निकलते हैं, और फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो इकट्ठे होकर नीचे बरसते हैं। तो वो कहाँ से निकलते हैं? उस हवा और पानी के मिले हुए बादल से पानी बनके, और टनों पानी बरसता है और पता भी नहीं चलता, और फजा भी धुल जाती है। फइदा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही, फिर तब वो पहुंचाता है उसको जिसको चाहता है अपने बंदों में से। ये भी अल्लाह का फैसला है कि वो बारिश जिस बस्ती पे, जिस घर पे, जिस इलाके में चाहे बरसाए। बाजू का तो आपने देखा होगा, आपके बैकयार्ड में बारिश हो रही होती है और फ्रंट पे बारिश नहीं होती। आप गाड़ी पे अगर सफर कर रहे हो तो एक जगह पर हो रही थी, आगे जाते नहीं होती। ये तकसीम कौन करते? भी वो करता है। और इसमें वो हदीस खास तौर पर काबिल जिक्र है जिसमें एक शख्स ने बादल से आवाज सुनी कि फलां शख्स की जमीन पे बरसो, और फिर वो बादल इस तरह इकट्ठा हुआ और फिर एक पत्थर पे जाके बरसा, और वहां से फिर पानी जो था वो एक खास शख्स के खेत को जाके लगा। तो ये अल्लाह का फैसला है, जिस पे चाहता है बरसाता है, मैंने बादी ही अपने बंदों में से। इदा हम यस्तबशिरून, तब वो खुश हो जाते हैं, खिल उठते हैं। फिर बशारत, बारिश देख के, सब्जा देख के, और उसके फिर बाद जो फल फूल आते हैं उनको देखकर फूले नहीं समाते, खुशियां मनाते हैं। अच्छा, यहाँ तो आमतौर पर बारिशें काफी होती रहती है, जिन इलाकों में बारिशें कम होती है वहां बाकायदा बारिश सेलिब्रेट करते हैं लोग। क्या करते हैं? मसला जी, मखसूस किस्म के खाने बनाते हैं या मखसूस किस्म के काम करते हैं कि आज बारिश हुई है। मुझे याद है बचपन में एक खास दिन होता था बारिश का दिन, कि उस दिन ये चीज पकेगी, ये होगा, वो होगा। यानी बकायदा जैसे खुशी मनाई जाती है ना, ऐसे खुशी का इजहार किया जाता है अपने अमल से, रवैये से, तरीके से। पूरे हर इलाके के मुख्तलिफ तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब तो मुझे लगता है कि सिवाय शिकवे शिकायतों के कुछ रहा ही नहीं। कभी तो बारिश होती थी तो लोग खुश होते थे, और अब तो जब ये सोचते कि अब जितनी सहूलतें ज्यादा उतनी शिकायतें ज्यादा हैं। पहले लोगों की कच्ची जमीनें होती थी, फिसलन हो जाती थी, घर से नहीं निकल सकते थे, काम काज रुक जाते थे, फिर भी खुश होते थे, और अब सब कुछ होते हुए, हर इंतजाम होते हुए मूड ऑफ है। जी हाँ, मुबारक पानी है ना, बरकत वाला पानी, बरकत बरसती है। सूरत आराफ में भी आते 57, वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाहा बुश्रम बैन यदै रहमतिही हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन थिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिम मय्यित फ़अंज़लना बिहिल मा फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि थमरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। एक और बड़ी अहम बात है कि अल्लाह ताला बारिश की बात करते करते एक सबक भी साथ सिखा देते, मरने के बाद तुम्हें भी ऐसे निकालेंगे जमीन से जैसे बारिश बरसने से सब्जा निकल आता है, ताकि इसी खुशी में भूल के ना रह जाना, अपनी मौत भी याद रखना, वापस भी जाना है। वो इन कानू, और बेशक थे वो, मिन कबली, इससे पहले, अय्युनज़्ज़ल अलैहिम, के उतारी जाए उन पर क्या बारिश, मिन कबली ही, इससे कबल, लमुबलिसीन, अलबत्ता मायूस होने वाले, ना उम्मीद होने वाले। यानी बारिश बरसने से पहले इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो चले थे, क्योंकि उनके बस में ही नहीं कुछ बरसा सके, खुद अपनी मर्जी से ला सके, और इबलास पीछे आप पड़ चुके। इबलीस का लफ्ज पीसी से ही है, यानी गम और मायूसी के बायस चुप लग जाना। अब देखिए कबल की बात 2 दफा आई है आयत में ना। फंजुर, बस देखो, फिर वाहिद का सीगा है खिताब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर बाकी सबसे भी आप किताबें। फंजुर इला आसार रहमतिल्लाह, देखो अल्लाह की रहमत के आसार को। आसार किसकी जमा है? असर की। असर किसको कहते हैं? अलामत को, निशान को। आसार रहमत देखो। आसार रहमत कौन से हो सकते हैं जो बारिश बरसने के बाद दिखाई देते हैं? नबातात, अशजार, फल, गल्ले, खेतियां, फजा का धुलना, आसमान का नीला दिखाई देना, यानी हर तरफ एक तब्दीली नजर आती है। फंजुर इला आसार रहमतिल्लाह, आसार असर कहते हैं जो पीछे रह जाए, यानी चीज आगे गुजर जाए और उसके निशान बाकी रह जाए, इम्प्रेशंस। कैफा युह्यिल अर्द बाद मौतिहा, किस तरह वो जिंदा करता है जमीन को उसकी मौत के बाद। इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता, बेशक वही अलबत्ता जिंदा करने वाला है मुर्दों को, जिसने दुनिया में तुम्हारी आंखों के सामने खुश्क जमीन को हरा भरा कर दिया, वही क़यामत के दिन मरने के बाद तुम्हें जिंदा करेगा। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वला इन अरसलना रीहन, और अलबत्ता अगर हम भेजते रीह, फर्क पता चल गया, पहले रियाह की बात है और अब रीह की बात है। अगर हम उन पे हवा भेजते, यानी अजाब की हवा, फरअहु, बस वो देखते उसको, किसको? खेती को, मुसफर्रन, के जर्द हो गई। यानी सब्जे के बाद एक ऐसी हवा भेजते, सख्त ठंडी या सख्त गर्म, के जिससे सब्जा जल के रह जाए। लजल्लू, अलबत्ता वो हो जाए, मिम्बादी ही, उसके बाद, यानी जर्द होने के बाद, यकफुरून, नाशुक्री करते, कुफर करते। यानी इंसान का हाल ये है, पल में तोला पल में माशा, अच्छी ठंडी हवा चली तो खुश हो गया, और अगर वो सब्जा जल गया या बाग को कुछ हो गया तो फिर शिकवे शिकायतों पे उतर आया, नाशुक्री पे उतर आया, अल्लाह के इनकार पे उतर आया। बस इतनी सी देर अल्लाह की याद आती है जितनी देर हालात अच्छे हैं, और अगर वो बदल जाए, मर्जी के खिलाफ हो जाए, तो फिर अल्लाह से नाराज होते हुए भी नहीं डरते, या उसका इनकार करते हुए, उसकी नाशुक्री करते हुए भी नहीं डरते। चलिए तिलावत सुनिए इसमें। अल-मौता, बस बेशक तुम नहीं सुनवा सकते मुर्दों को, और मुर्दों से मुराद यहाँ कौन है? जिनका दिल मुर्दा हो चुका हो, जो सोचने समझने की सलाहियत खो चुके हों। वला तुस्मे उस्सुम्मा, और ना तुम सुनवा सकते हो बहरों को। असम की जमा, मौता मय्यत की जमा। वला तुस्मे उस्सुम्मा, और ना तुम सुनवा सकते हो बहरों को क्या? अद्दुआ, पुकार, दुआ। इदा, जबकि, वल्लौ, वो मुंह मोड़ जाएं, मुदबिरीन, पीठ फेर के। और मुंह का मोड़ जाना और पीठ फेर जाना और ऊपर से बहरा होना, ये किस बात की अलामत है? शदीद रिफ्यूजल की, कि किसी तरह वो हिदायत के करीब नहीं आते, पास नहीं पटकते, सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि जब इंसान सुन ना सकता हो तो साइन लैंग्वेज से कुछ ना कुछ सीख ही जाता है। तो जब कोई शख्स बहरा भी हो और फिर मुंह भी मोड़ जाए और फिर पीठ भी फेर ले, पूरे का पूरा ही टर्न ले ले, तो फिर कोई उसको हिदायत नहीं दे सकता। वमा अंत बिहादिल उम्यी, और नहीं तुम हिदायत देने वाले, राह दिखा सकने वाले अंधे को। अन दलालतिहिम, उसके भटकने पर। इन तुस्मिओ, यानी अगर अंधा भटक जाए और वो भटकना चाहे, आपकी बात ना मानना चाहे, मसला एक शख्स को नजर नहीं आता और वो आपकी बात भी ना माने कि रास्ता इधर है, तो फिर छोड़ देंगे आप उसको, ठीक है जहां जाता है जाए। इन तुस्मिओ, नहीं तुम सुनवा सकते, इल्ला मगर, मैं युमिनु बि आयातिना, जो ईमान रखता है हमारी आयात पर, हमारी निशानियों पर। और आयात से मुराद यहाँ दोनों तरह की आयात है और यहाँ खासतौर पर कुरान मुराद है। फहुम मुस्लिमून, फिर वो फर्माबरदार भी हैं। तो हक बात कौन सुनता है, रास्ता सच्चा कौन देखता है? जो क्या होता है? जो सुनता है और बात मानता है, इताअत करता है। ठीक है, जो ईमान रखता है और इताअत करता है। मुस्लिमून से मुराद यहाँ मुती और फर्माबरदार है। तो आप देखिए कि एक हमारे कान सुनते हैं ना, हम हर तरह की आवाजें सुनते रहते हैं। ये सुनना सुनना नहीं शुमार होता। असल सुनना क्या है? कि सुनकर फिर कबूल कर लेना, जवाब देना, जो कहा जा रहा है वो करके दिखाना। तो अल्लाह ताला बाकियों को बहरा कहते हैं, सुनने वाला सिर्फ उसको कहते हैं कि जो क्या करे, फर्मा बरदारी करे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो जात है जिसने तुमको पैदा किया है। कौन है अल्लाह? जिसने तुमको पैदा किया है। कहां से? मिन दुअफिन, कमजोरी से। यानी तुम कमजोरी की हालत में पैदा हुए, या तुम्हारी तखलीक का आगाज कमजोरी से हुआ। थुम्मा जअला, फिर उसने बनाया, मिन बाद दुअफिन, कमजोरी के बाद कुव्वतन, कुव्वत, यानी तुम्हें कमजोरी के बाद कुव्वत अता की। यानी नुतफा एक बच्चे की शक्ल में बन गया और फिर बच्चा जवान हुआ, खूब कुव्वत आई। तुम जअला मिन बाद कुव्वतिन दुअफा, और फिर जवानी ढल गई और कमजोरी वापस लौटने लगी। फिर बनाया कुव्वत के बाद कमजोर। व शैबा, और बनाया बुढ़ापा। शैब कहते हैं बालों को सफेद होने को। यखलुकु मा यशा, पैदा करता है जो भी वो चाहता है। व हुवल अलीमुल कदीर, और वो इल्म वाला है, कुदरत वाला है। अब देखिए कि चूंकि ये सूरत अन्नहल की तरह बहुत सी निशानियां अपने अंदर रखती है, तो इंसान को शुरू में भी अपने नफ्स पर गौर करने के लिए कहा गया। तो यहाँ उसकी तफसील है कि अपने ऊपर देखो, अपने आप पर, कि तुम क्या थे, कहाँ से बने, किस चीज से बने। और एक चीज जो सब में कॉमन है, और वो क्या है? कि सब का आगाज कमजोरी की हालत में हुआ। अब देखिए कि किस तरह इंसान की तख्लीक का आगाज होता है। इंसान उस नुतफे से बना है कि जो नेकेड आए को नजर भी नहीं आता। इतनी छोटी चीज, इतनी हकीर और इतनी महीन। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल मुरसलात 20 में, अलम नखलुककुम मिन माइन महीन, याद नहीं तुम्हें हमने तुमको किससे पैदा किया? और फिर खलकल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। सूरतुल मारिज में तो अल्लाह ताला जिक्र भी नहीं करते किससे बनाया, कहते हैं कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, हमने उनको उस चीज से बनाया जिसको वो जानते हैं, उनको पता ही है वो क्या थे, काबिले जिक्र भी नहीं। जैसे एक और जगह आता है ना कि लम यकुन शैअम मज़कूरा, इतना कमजोर, इतना छोटा। आप देखिए कि किसी चीज की छोटी से छोटी हालत क्या हो सकती है कि जब वो नजर भी ना आए। तो जब इंसान का जो नुक्ता आगाज है तख्लीक का, उस अमल की जब इब्तिदा होती है, तो वो तो नजर भी किसी को नहीं आता, इतने कमजोर। तो कौन है जो तुम्हें वहां से उठाता है? सोचिए जरा इस बात को। छोटी चीजों की भी हद होती है ना, कि कोई चीज छोटी है, कमजोर है, मामूली है, और जब कोई चीज नजर भी ना आए तो वो कितनी कमजोर और मामूली होगी। तो ये अल्लाह ही है जिसने तुम्हें वहां से उठाया। खलक़कुम मिन दुअफिन, और फिर उसको बढ़ाते 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 इतना ताकतवर किया कि इंसान किसी को खातिर में नहीं लाता। बोलने में, सोचने में, जिस्मानी कुव्वत में, ज़हनी कुव्वत में, ज़हानत में, फिर क्या होता है, इंसान वही खुराक खाता है, वही सब कुछ करता है और कमजोर होता जाता है, कुछ लगता ही नहीं उसको। किसके बस में है कि अपनी ताकत को बहाल रख सके, जितने चाहे विटामिन खा ले। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का कमाल है, ये अल्लाह की ताकत नजर आती है कि वो जो चाहता है करता है। यखलुकु मा यशा, जिसको चाहे माँ के पेट में ही अंधा कर दे, हाथ उंगलियां कोई भी उस जैसे चाहे बना दे। और अल्लाह ताला निशानियां दिखाता रहता है बार बार, कैसे कैसे बच्चे पैदा होते हैं। कहती है कि एक बच्चा इन्होंने स्कूल में देखा कि जिसकी हड्डियां नहीं थी, बस सिर्फ लोथड़े की तरह पड़ा रहता था और बढ़ भी रहा है, बड़ा भी हो रहा है। क्या कर सकते हैं आप? किसी को भी अल्लाह ऐसा बच्चा दे दे, कोई क्या कर सकता है? वही ना, अल्लाह चाहे तो ज़हनी कुव्वत इतनी बढ़ा दे और जिस्मानी कुव्वत कुछ भी ना दे। ये कितना बैलेंस ये भी रखा ना हमारे लिए, वरना कितना मुश्किल हो जाता। और बुढ़ापे में जिन लोगों का जहन अच्छा काम करता है, जिस्म काम नहीं करता, वो बहुत ज्यादा फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं अगर उनके पास कोई एक्टिविटी ना हो। हम किसी हाल में अपने ऊपर राजी नहीं होते, हमें क्यों ऐसा आखिर बना, हमारा क्या कसूर था, हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो गई, हम ऐसे क्यों नहीं, हम वैसे क्यों नहीं। शुक्रगुजार तो कहीं होने को नहीं आते। तो अल्लाह इबरत के निशान भी दिखाता रहता है। और फिर आप देखिए कि यहाँ पर फरमाया कमजोरी दी, फिर कुव्वत दी, फिर कमजोरी दी, और फिर बूढ़ा कर दिया। बुढ़ापा भी आप देखें क्या चीज है। इंसान एड़ियां रगड़ता रहे, अल्लाह नहीं अगर जान लेता नहीं, मौत देता नहीं देता। आप उठने के काबिल नहीं, आप बैठने के नहीं, आप दूसरों पे पूरा बोझ हैं, लेकिन आप पढ़े हुए क्या कर सकते हैं। वहुवल अलीमुल कदीर, और वो इल्म रखता है, पूरी कुदरत रखता है, उसको सब पता है। बाजू का हम सोचते नहीं, अल्लाह इसमें क्या हिकमत है कि ये शख्स इतना बूढ़ा हो गया और इस हाल में इसकी क्या जरूरत है। यहाँ वहुवल अलीम, उसको सब पता है क्या जरूरत है। अल कदीर, वो अंदाजा करने वाला है, कुदरत वाला है। सूरत अन-नहल 70 में आता है वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्दलिल उमर। सूरत यासीन 68 में आता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क अफला याकिलून। यानी इंसान की बेबसी और इंसान की कमजोरी की निशानियां जगह जगह बिखरी पड़ी, लेकिन फिर भी इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं होता। वयौम तकूमुस साअतु, और जिस दिन कयामत कायम होगी, युक्समुल मुजरिमून, मुजरिम कसमें खाने लगेंगे। कसम कब कोई खाता है? जब वो अपने आप को छुड़ाना चाहे, अपनी सच्चाई साबित करना चाहे, अपने आप को बचाना चाहे। ये मुजरिम जो ही गिरफ्तार होंगे तो वो कसमें खाने लगेंगे। और कसमें खाने का एक और मौका भी है कि सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन, यानी अपने ऊपर से बरी जिम्मा होने के लिए। सूरत अल-मुजादला 18 में आता है यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफूना लहू कमा यहलिफूना लकुम। और अमूमन कसमें झूठे लोग खाते हैं। मा लबिसू गैर साअ, और किस बात पे कसम खाएंगे कि दुनिया में हम सिर्फ एक घड़ी रह के आए। कसमें खा खा के कहेंगे दुनिया में कुछ रही नहीं हम, गैर साअ, सिर्फ एक घड़ी, एक पल बस। या अल्लाह वो किधर गई जिंदगी, वो तो एक पल थी बस, आंख खोली थी कि बंद हो गई। ये है दुनिया की जिंदगी। कज़ालिका कानू युफकून, इसी तरह वो उल्टे फेरे जाते थे, इसी तरह वो उल्टे चलते। जैसे आज यहाँ पर वो बिल्कुल पलट गए। दुनिया में तो नजरें नहीं मिलाते थे, सुन के नहीं देते थे, मुंह भी मोड़ जाते, पीठ भी फेर लेते, आंखों पे भी पट्टी, कानों को भी बंद कर लेते। लेकिन आज यहाँ कसमें खा के अपनी सच्चाई बयान करना चाहते हैं। और क्या कहते हैं कि दुनिया तो कोई चीज न थी। फरमाया कि ये वही तरीका करेंगे जैसे ये दुनिया में हक से फिरे हुए थे, तो यहाँ भी अब टोटली इनकी स्टेटमेंट तब्दील हो जाएगी। और इसमें आप देखिए कि कुरान पाक में मुतअद्दिद जगहों पर दुनिया की जिंदगी के बारे में आता है ना, कोई कहेगा 10 दिन ठहरे, कोई कहेगा 1 दिन की घड़ी, कोई कहेगा सुबह या शाम ठहरे। वयौम यहशुरुहुम कअल्लम यलबसू इल्ला साअतम मिनन नहार लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हमें ये जिंदगी ऐसे लगती है जैसे मरना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं यहाँ से, कभी इसकी खुशियां और गम दायमी लगते हैं, और जो हमेशा के हैं वो भूले हुए हम। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान, और कहेंगे वो लोग जिन्हें इल्म और ईमान दिया गया। क्या ही नेमत है, ईमान भी हो और इल्म भी हो। और ये कौन होंगे? मलाइका, ईमान वाले लोग। लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास, तुम अल्लाह की किताब में, नविश्ते में, क्यामत के दिन तक रहे हो, यानी दुनिया में और कब्र में। यानी कब्र से उठ के भी कहेंगे ना कि मम बासना मिम मरकदिना, हमें हमारी आराम गांव से किसने उठा दिया। क्योंकि कयामत का दिन इतना सख्त होगा कि उसकी सख्ती और उसकी तकलीफ में ऐसे होश उड़ेंगे कि दुनिया की जिंदगी भी एक घड़ी लगेगी और कब्र में जो हजारों साल लेटेंगे वो भी उनको चंद लम्हे ही लगेंगे। तो अहले इल्म और ईमान कहेंगे कि तुम अल्लाह की किताब में अल्लाह के इल्म के मुताबिक कयामत के दिन तक वहां रह के आए हो, एक घड़ी नहीं रहे, बहुत रहे हो। फहादा यौमुल बास, ये है जी उठने का दिन। वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून, लेकिन तुम इसको जानते नहीं थे। देखिये दुनिया में अब भी कितने सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको नहीं पता कल क्या होने वाला है। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी मुश्किल इंसान के लिए वो कल का दिन है, जिसके बारे में अक्सरियत गाफिल और भूली हुई है। तो अहले इल्म अपना फरीजा वहां भी अंजाम देंगे, वहां भी समझाएंगे, वहां भी बताएंगे कि हादा यौमुल बास, ये वही दिन तो है जिसका तुम इनकार करते थे, मान के नहीं देते थे, सुन के नहीं देते थे। और फिर वो समझ जाएंगे। वकालू या वैलना हादा यौमुद्दीन हादा यौमुल फसल, सूरत अस्साफात 20 और 21 में आता है। कहेंगे हाय बर्बादी हमारी, ये तो कयामत का दिन है, ये तो फैसले का दिन है, हमने क्यों ना माना। फयौम इदिन, तो उस दिन, ला यनफउ, ना फायदा देगी, अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, क्या ना फायदा देगी, माज़िरतुहुम, उनकी माज़िरत, उज़र पेश करना। कयामत के दिन उजर पेश करना, अपनी मजबूरियां बताना, बहाने करना, माजरतें करना, एक्सक्यूजेस ढूंढना, कुछ भी फायदा न देगा। होता यह ना कि इंसान जब पकड़ा जाता है किसी जुर्म में तो फौरन उजर तराशने लगता है, वजह बताने लगता है, सफाई पेश करने लगता है। तो वो सफाइयां जो वो वहां पेश करेंगे वो फायदा ही नहीं देंगी। दुनिया में तो आप देखेंगे झूठ गढ़ के, गलत बयानी करके भी इंसान अपने आप को नेक, पाकबाज, साफ साबित कर सकता है, दुनिया में मुमकिन है, लेकिन वहां कोई ऐसा फ्रॉड नहीं कर सकेगा। वला हम युस्तातबून, और ना ही वो इताब दूर किए जाएंगे, उनकी खफगी का तदारुक न किया जाएगा, तौबा इस्तिगफार का मौका न दिया जाएगा। युस्तातबून का लफ्ज जो है ये ऐन तेबे से है, अतबुन, अतबुन कहते हैं नाराजगी या सख्ती जो इंसान के दिल में दूसरे के बारे में पैदा हो जाती है। समझते हैं इस लफ्ज को? नहीं समझ आई? वो नाराजगी या खफगी या सख्ती जो एक इंसान के दिल में दूसरे के बारे में पैदा हो जाती है। कितने अच्छे लोग हैं आप, आपको पता ही नहीं इस लफ्ज का, इस बात का। जी इताब सही है, और उतबा जो है वो रजामंदी को कहते हैं। इस्तेताब होता है रजामंदी चाहना, यानी अल्लाह को राजी करने का मौका ना मिलेगा। अल्लाह के दिल में इन लोगों के बारे में जो गुस्सा होगा, नाराजगी होगी, उसको वहां जाके कोई दूर ना कर सकेगा। अच्छा दुनिया में क्या होता है, अगर हमें किसी से या किसी को हमसे शिकायत हो जाए तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि उसकी गलतफहमी दूर हो जाए, शिकायत दूर हो जाए, फिर एक वक्त आता दूर हो जाती है। दुनिया में ऐसे बहुत से मौके होते हैं ना, किसी को आप पे कोई गलतफहमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई नाराज हो गया, रूठ गया आपसे, गजबनाक हो गया, फिर क्या होता है, फिर आप उसके साथ अच्छा करते 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 उसको वापस उन्हीं पुराने ताल्लुकात पे ले आते। ये मुमकिन होता है, लेकिन क़यामत के दिन कोई उज़र नहीं माना जाएगा, कोई तौबा नहीं कबूल की जाएगी, कोई किसी को राजी नहीं कर सकेगा, और यहाँ खासतौर पर अल्लाह को कोई राजी नहीं कर सकेगा, क्योंकि कोई अपने वो वापस अमल कर ही नहीं सकेगा, उन्हें कोई माफ नहीं करेगा, और ना ही उस दिन माफी मांगने का दिन होगा। क्योंकि तौबा कबूल होती है बस कब तक, जब तक मौत नहीं आती। सूरत फुस्सिलत 24 में आता है, वइन यस्तातिबू फमा हुम मिनल मौतबीन, वो चाहेंगे कि ऐसी को राजीनामा हो जाए। होता है ना दुनिया में जब कोई बहुत ही काम खराब हो तो फिर क्या होता है, कुछ दे दिला के राजीनामा कर लेते हैं, लेकिन वहां कोई राजीनामा नहीं हो सकेगा। दुनिया में कम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ले दे करके बात बराबर कर, अच्छा बोलो मट्टी डालो खत्म, लेकिन वहां नहीं कोई कर सकेगा ये। लेकिन जो अहले ईमान होंगे अल्लाह ताला उनसे नाराजी नहीं होगा, बल्कि राजी हो जाएगा। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, हदीस में आता है अबू सईद खुदरी की रिवायत है, सही बुखारी और मुस्लिम की, अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा क्या तुम राजी हो, खुश हो। जैसे दुनिया में भी कोई किसी नए घर में जाए या नई शादी हो या कुछ, तो हर एक क्या पूछता है, खुश हो ना, तो जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या पूछेंगे, तुम राजी हो, खुश हो? तो अहले जन्नत अर्ज करेंगे, हम कैसे राजी ना हो जबकि तूने हमें हर वो चीज दी जो किसी को नहीं दी, यानी दूसरों को नहीं मिली, अहले जन्नत ही को बस मिली। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं इससे भी अच्छी चीज तुमको देता हूँ। अहले जन्नत अर्ज करेंगे, इससे बेहतर और क्या चीज है? अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुमसे अपनी रजामंदी हमेशा के लिए खोलता हूँ, आइंदा कभी तुमसे नाराज ना होगा, कभी तुमसे नाराज ना होगा। क्योंकि इंसान के पास मादी जितनी भी नेमतें हो वो बेकार हो जाती हैं अगर कोई इंसान नाराज हो। मसलन अगर आपके घर में हर नेमत और सहूलत है और शोहर नाराज है आपसे हर वक्त, तो क्या होता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। और अगर वो राजी हो तो झोंपड़ी भी बहुत अच्छी है, या नहीं? तो रजामंदी जो है बाहम इंसानों की हो या अल्लाह ताला के साथ, ये बहुत जबरदस्त चीज है। मादी नेमतों से बढ़ के नेमत है ये। वरिदवान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजामंदी सबसे आला दर्जे की नेमत है। वलक़द दरबना लिन्नासि फी हाज़ल कुरआन मिन कुल्लि मसल, और अलबत्ता तहकीक बयान की हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें, हर तरह के वाकयात, हर तरह के दलाइल। मसल का जो लफ्ज़ है सिफत और मिसाल के लिए आता है, लेकिन दलाइल के मानों में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ज़रबुल मसल भी आपने पढ़ा कभी, ज़रबुल मिसाल। असल में किसी हिकमत की बात को मिसाल में पेश किया जाता है, फिर बड़े मानों में, वसी मानों में हर अच्छी बात को ज़रबुल मिसल कह सकते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं, हर तरह की बात समझाई है। वला इन जितहुम बिआयतिन, और अलबत्ता अगर तुम लाओ इनके पास कोई निशानी, यानी कुरान में से कोई वाज़े दलील। ला यक़ूलन्ना अल्लज़ीना कफ़रू, अलबत्ता जरूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यानी इनमें से जो दिलों के सख्त हैं, इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, नहीं तुम मगर बेहकीकत बातें करते हो, मुब्तिल हो। मुब्तिल किससे है? बातला से, बातिल से, मुफइल के वजन पर। हक को नाहक करार देने वाले, बेहकीकत बातें करने वाले, बातिल परस्ती में पड़ने वाले, इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने लोगों को कुरान में हर तरह से बात समझाई, हर मिसाल से बात समझाई है, लेकिन फिर भी लोगों का हाल क्या है कि अगर उनके पास तुम कोई आयत लाओ उनको समझाने के लिए, दलील के लिए। बाजू का तो ऐसा होता है ना कि लोगों को आप अपनी तरफ से समझाते हैं, वो नहीं समझते, कहते हैं अच्छा मैं तो तुम्हें कुरान खोल के बताती ही लिखा हुआ या कुरान में ये है, ये आयत है, फलां नंबर आयत है, फलां सूरत है, ये पढ़ के देख लो, ये कुछ। तो भी जिन्हें नहीं मानना होता वो क्या करते हैं, कोई और तावील कर लेते हैं। वो कहते हैं इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, तुम ही सर फेरे लोग हो, पागल हो, ये तो अपनी इंटरप्रिटेशन की हुई है, ये अपने पास से बातें बताई जाती हैं, हालांकि लिखा कुरान में होता है। तो जिसको नहीं मानना होता वो फिर भी उस वक्त इनकार कर देता है, वो कहते तुम ही गलत हो, इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, तुम हो बेहकीकत बातें करने वाले। ये आज की दुनिया में चल सकता है, ये सच नहीं हो सकता, ये तो बात हमारी अकल को नहीं लगती। तरह तरह के बहानों से क्या करेंगे, इनकार कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे, ये अपनी बातें अपने पास ही रखा करो। सूरत यूनुस 96 में आता है, इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, जिसे नहीं मानना उसे नहीं मानना, जिसका दिल सख्त है, जिसकी आंखें बंद हैं, जिसके कान सुम है, वो कभी भी नहीं समझेगा कुछ, क्योंकि वो दिल जो उसका बंद है। कदालिका यत्बअल्लाहु अला कुलूबिल लज़ीना ला यअलमून, इसी तरह अल्लाह मुहर लगा देता है, ठप्पा लगा देता है, किस पर, अला कुलूबिल लज़ीना, उन लोगों के दिलों पर, ला यअलमून, जो इल्म नहीं रखते। ला इल्मी कितनी बड़ी मुसीबत है, यानी ला इल्मी दिलों के बेहिस होने, बेखबर होने, गाफिल होने, ना समझ होने का बहुत बड़ा सबब है। जब पता ही नहीं तो फिर समझेंगे क्या। कहते हैं अन्नासु आदा उन लिमा जहिलू बिह, इंसान उस चीज का दुश्मन होता है जिसको वो जानता नहीं होता, जिसको समझता ही नहीं। तो बहुत से लोग क्यों इनकार करते चले जाते हैं सच का, जानते ही नहीं। जब जानते नहीं तो ला इल्मी में बगैर जाने बगैर सुने पहले से इनकार कर देते हैं। जब पहली दफा इनकार कर देते हैं तो फिर आंखों से देखने के बाद भी इनकार करे चले जाते हैं, जिद में आके। इसलिए इसमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है कि पहली दफा जब आप किसी को कोई चीज पहुंचाएं तो बहुत एहतियात से, बहुत नरमी से, हमदर्दी से, मोहब्बत से, ताकि एक्सेप्ट कर ले, जिद में ना आने दें दूसरों को। क्योंकि जब बहुत बहस मुबाहस से कोई चीज होती है तो बाजू को डिफेंसिव हो जाते लोग और हक को कबूल नहीं करते, फिर आइंदा के लिए तो उसको अना का मसला बना लेते हैं। तो पहले लोगों की लाइलमी दूर करें, और जब लाइलमी दूर होगी तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर दिल भी खुल जाएंगे। हम अपनी मिसालों से देखें ना, लेकिन अगर कोई सीखना भी ना चाहे, जानना ही ना चाहे, तो फिर उसके दिल को कोई नहीं खोल सकता। तो इल्म एक ऐसी चीज है कि जो दिलों की मोहरें तोड़ता है। फसबिर, अब सूरत के इख्तिताम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। क्या आप सब्र रखिए, सब्र कीजिए। इन्ना वाद अल्लाही हक, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। कौन सा वादा? मोमिनों की मदद का वादा, अजीम इनाम का वादा, दीन के गालिब होने का वादा। इन्ना वाद अल्लाही हक वला यस्तखिफन्नक अल्लज़ीना, और हरगिज ना हल्का पाए तुझको वो लोग ला युकिनून, जो यकीन नहीं रखते। बहुत गहरी आयत है, देखने में बहुत सिंपल लग रही है मगर बहुत मीनिंगफुल आयत है। देखिए सूरत का आगाज किस आयत से हुआ था? गुलिबत रोम फी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौम इज़िन यफ़रहुल मुअमिनून। ये गलबा, ये मदद और ये फरह कैसे हासिल है? फसबिर से। वालम अन्न नस्र मअस सब्र, अन्न नस्र मअस सब्र, कामयाबी के लिए सब्र के सिवा कोई रास्ता नहीं। सब्र के घोंट भरने पड़ेंगे, लेकिन अफसोस ये कि आज मुसलमान यही भूल गए। नेगेटिव रिएक्शन से, जज्बातियत से, शोर हंगामा करने से कुछ भी नहीं हासिल होता। इंसान अपना वक़ार और इज्जत और खो देता है। तो बहुत सी मुश्किलात पे काबू पाने के लिए सब्र और इंतजार। फसबिर इन्ना वाद अल्लाही हक। इंसान को जब ये भूल जाता ना कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, तो फिर वो सब्र नहीं करता। वो कहता है जल्दी हो जाए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, और शायद अल्लाह भी भूल गया है, नऊजुबिल्लाह। नहीं, सब पता है उसको, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा, इंतजार करना होगा। किसको खिताब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अपनी कौम की तरफ से पहुंचने वाली अजियतों पर, तकलीफों पर क्या करें? सब्र करें। नो नेगेटिव रिएक्शन। मक्की सूरत है, 13 साल मक्का के आपने क्या किया? आपने और आपके साथियों ने सब तकलीफें बर्दाश्त की, किसी को पलट के एक बात का जवाब भी नहीं दिया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी किस्म की कोई जवाबी कार्रवाई तो दूर की बात है, जबान से भी कुछ पलट के जवाब नहीं दिया। एक नारवा बात नहीं आप सुनेंगे। सब्र। हम लोगों का हाल क्या है? कोई छोटी सी भी तकलीफ हो और हम कुछ नहीं तो जबान से ऐसी नारवा बातें शुरू कर देंगे, हद से बढ़ जाएंगे, अमली रवैये मनफी होंगे, इकदाम मनफी होंगे, लिहाजा अपने लिए रास्ते खुद ही बंद कर लेते हैं, चाहे जाती जिंदगी हो या इज्तिमाई जिंदगी हो या कौमी हो या कुछ भी हो। कामयाबी के लिए किसी भी काम में सब्र बेहद जरूर। और सब्र क्या, अपने आप को रोक लेना। किससे रोक लेना? किसी भी गलत बात से, किसी भी नेगेटिव बात से। और जो ये नहीं जानता वो कामयाब भी नहीं हो सकता। फसबिर किसको कहा जा रहा है? अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लोग आपको सता रहे हैं, हमें सब पता है। क्यों कहा गया कि आप सब्र करें? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ये चाहता था कि इन लोगों पर हुज्जत तमाम हो। ये अभी जानते नहीं, इनके दिलों पे मोहरें लगी, ये मोहरें टूटे, मैसेज कन्वे हो जाए। मैसेज कन्वे करना जरूरी था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र ना करते, एक ताइफ के मौके पे आप सब्र ना करते, और जब जिब्रील आए थे कि इनको पीस दो, तो आप कहते जाओ जाओ पीसो ताकि मेरा दिल ठंडा हो, मैं अपनी आंखों के सामने इनको बर्बाद होते देखूं, तो क्या ताइफ वाले फिर मुसलमान हो सकते? क्या उनकी औलादे मुसलमान होती? क्या मोहम्मद बिन कासिम वहां से निकलते और आपके बर्रे सगीर पहुंचते और हम मुसलमान होते? मैं तो अपने मुसलमान होने को भी नतीजा समझती हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सब्र का कि जिसके असरात वहां तक आके पहुंचे। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ताइफ वालों की नस्ल में से था, सक़फ़ी था, उन्हीं की औलादों में से था जिन्होंने आपके ऊपर पत्थर बरसाए थे। और अगर आप उस वक्त कहते हाँ क्या कहा था आपने, अगर ये नहीं तो शायद इनकी औलाद जो है वो मुसलमान हो जाए। और वो हुई। कितना बड़ा सब्र है कि वो सारे गुंडे आपके ऊपर पत्थर बरसा के हंस रहे हैं, बाजारों में खड़े हैं, आपके पाँव सूज गए हैं, जख्मों से चूर है, सब कुछ है। एक बद्दुआ जिसका आपको इख्तियार भी दिया वो भी नहीं दी। आप बदला ले सकते थे, नहीं लिया। इसी तरबियत का नतीजा जो अल्लाह ताला फसबिर, क्योंकि सबर नहीं किया तो पैगाम नहीं पहुंचेगा। आज कहाँ है मुसलमानों के अंदर सबर? जज्बातियत के सिवा और कुछ है ही नहीं, पैगाम पहुंचाया ही नहीं, सिर्फ लड़ाइयां छेड़ रखी हैं हर तरफ और इसको दीन बना लिया, सिर्फ नफरतें आम की हुई हैं। ऐसे थोड़ी इंसानों की खैरखाई होती है। अगर आपको वाकई किसी की खैरखाई मतलूब है तो उसकी तरफ से पहुंचने वाली सारी अजियतें यक तरफा तौर पर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और फिर भी खैरखाई का दामन हाथ से नहीं छोड़े, तब पैगाम पहुंचता है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया आपने हिजरत नहीं की। 13 साल मक्के में तकलीफें उठाई ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच जाए, क्योंकि आप आए ही पैगाम बर थे। फसबिर इन्ना वाद अल्लाह हक, ये वादा पूरा होकर रहेगा, क्योंकि उस वक्त यूं लगता था जैसे सब खत्म हो जाएंगे। ये वादा पूरा होगा, लेकिन वला यस्तखिफन्नक अल्लज़ीन ला यूकिनून, हरगिज ना हल्का पाए तुझको वो लोग जो यकीन नहीं रखते। ये जो यस्तखिफन्नक है तो इसमें खे फे फे इसका रूट है। खफीफ किसको कहते हैं? हल्के होने को। खिफत भी इसी से, खिफत उठानी पड़ी, इस्तिखफाफ भी इसी से है। और ये जो हल्का होना है वजन के एतबार से भी होता है, सकील के मुकाबले में खफीफ। बात में हल्का होना क्या है? कि आपको बेवजन न बनाए, आपकी बातों को हवा में ना उड़ा दें। फिर जमान के एतबार से भी होता है, खफीफ के मुकाबले में सकील। सुस्त रफ्तार क्या होता है? सकील। और तेज रफ्तार क्या होता है? खफीफ। फिर इसी तरह वो चीज जो तबीयत को खुश कर दे वो भी खफीफ होती है। लाइट जोक्स या लाइट चीज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जो शख्स जल्द गुस्से में आ जाए वो भी खफीफ होता है। ये आपको गुस्सा ना दिलाने पाए, आप इनके जुल्म तशद्दुद और उनकी बातों को सुन के गुस्से में ना आ जाना। ये किसको कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों? क्योंकि जब इंसान गुस्से में आ जाता है तो उसकी बात क्या होती है? हवा में उड़ जाती है, मुअस्सर नहीं रहती, ठंडी बात ज्यादा असर करती है। फिर इसी तरह जो शख्स शैलो होता है, सतही इक़दार का मालिक होता है, छोटी सी बात पे भड़क उठता है, जरा सी बात नागवार हो आपे से बाहर हो जाता है, ये उस तर्ज अमल का नाम है। इस्तिग़फ़ाफ़ किस तर्ज अमल का नाम है? किसी की बात सुन के भड़क उठना, जरा सी बात पे ऑफेंड हो जाना, जरा सी बात पे शोर मचा देना, जरा सी बात पे बेसब्रापन करना, जरा सी बात पे इस तरह भड़कना कि सारे अखलाक के अकदार पामाल हो जाए। फरमाया नहीं, आपको कुछ भी कहें आपने अपने उसूल और अखलाक को नहीं छोड़ना। ये आपको कितना भी भड़काएं आपने ठंडा ही रहना है। ये आपको हल्का ना करने पाए, क्योंकि जो बदअखलाक इंसान होता है वो हल्का होता है। बदअखलाक इंसान हल्का होता है, अखलाक का वजन होता है, दलील का वजन होता है। और दलील से इंसान जिस तरह जीत सकता है वो धमकियों से नहीं जीत सकता। लेकिन हम इस नुस्खे को भूल चुके हैं। हम मुसलमानों के पास करने को कुछ नहीं सिवाय धमकियों के, और सिवाय जज्बाती बातों के, सिवाय भड़कने के, सिवाय ऊंची ऊंची बातें करने के, क्योंकि है जो कुछ नहीं पास। ना हम मेहनत करते हैं, ना हम कोशिश करते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना हमारे पास दलाइल होते हैं, ना हमारे पास अखलाक होता है कि हम मुस्बत तरीके से कोई काम कर सके। जब सारे काम ही मनफी तरीके से हो तो नताइज कैसे मुस्बत हो सकते हैं? फिर नताइज भी मनफी हो जाते हैं। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है? कि कामयाबी आपको मिलेगी, अल्लाह का वादा भी सच्चा होगा। ऐसा भी होता है ना, जिनका अपना कोई यकीन नहीं होता, जो खुद उखड़े हुए होते हैं वो दूसरों को भी उखाड़ देते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको आपके तरीके से, आपके रास्ते से ये लोग हटा पाए, आपकी बात को बेवजन कर दें। इसमें मैंने कई एक तर्जुमे देखे और एक से एक खूबसूरत तर्जुमा था। किसी ने लिखा था, ये आपको बेबर्दाश्त ना कर दें, ये आपको बेतहम्मुल ना कर दें। एक और जगह लिखा था, ये आपको नादानी पे आमादा ना कर दें, ये आपको बेवजन ना कर दें, ये आपको मुदाहनत पे मजबूर ना कर दें, ये आपको बेयकीन ना कर दें। क्या जबरदस्त सबक! एक लफ्ज के अंदर एक दरिया मानी का है। अफसोस के वक्त कम है। बहरहाल जाहिरी सूरत में क्या है कि रूमी मगलूब हो गए हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत पसे पर्दा इस तरह काम करेगी कि वो गालिब आ जाएंगे। हाँ, और इसी तरह सूरत के अंदर भी इसी तरह के मजामीन हैं जैसे रिबा बज़ाहिर लगता है इजाफा लेकिन हकीकत में है कमी, ज़कात बज़ाहिर लगता है नुकसान लेकिन हकीकत में है इजाफा। हाँ, युर्बिस सदक़ात। तो बज़ाहिर या लमूना ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, बाज़ुकत ज़ाहिरी चीजें कुछ और लगती, ज़ाहिरी तौर पर हम समझते हैं धौंस धांधली से बहुत कुछ हो सकता है, हालांकि तरीका दूसरा है। तो असल चीज है अल्लाह की रहनुमाई। वो चीजें जो जाहिर में आपको बड़ी बड़ी लगती हैं वो हकीकत में बड़ी नहीं है, बड़ी कोई और चीज है। और उसके लिए जरूरी है कि इंसान सब्र के साथ, ईमान और तवक्कुल और यकीन के साथ, हौसले के साथ अल्लाह का दामन थामे रखे। यही सूरत का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।